जागो लोगो जगत के शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए, सभी तो अशांत हैं, सभी तो बेचैन हैं, सभी दुखियारे हैं, किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख, आज एक बात का दुख तो कल किसी और बात का दुख, कितने दुखों में से जीवन गुजरता है। कोई अनचाही बात हो गई या कोई मनचाही बात नहीं हुई, उसमें कोई बाधा उपस्थित हो गई तो कितनी उदासी, कितनी निराशा, कितनी मायूसी, और यही नहीं भीतर ही भीतर कितनी छटपटाहट, कितनी चिड़चिड़ाहट, और यही नहीं कितना क्रोध जगाते हैं, कितना द्वेष जगाते हैं, कितनी दुर्भावना जगाते हैं। इस व्यक्ति की वजह से मेरी मनचाही नहीं हुई, इन लोगों की वजह से मेरी मनचाही नहीं हुई, द्वेष ही द्वेष, दुर्भावना ही दुर्भावना। और जब जब द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है, व्याकुलता जागती है, दुख जागता है। अरे भाई, जीवन में अनचाही भी होने ही वाली है, मनचाही कभी होगी कभी नहीं होगी, अधिकतर तो नहीं ही होगी, क्योंकि अनचाही की तो कोई सीमा, मनचाही की कोई सीमा नहीं। एक मनचाही पूरी होते ही उसका सुख समाप्त, कोई दूसरी मनचाही अपना सिर उठाने लगे और उसके लिए व्याकुल होने लगे, वो पूरी हुई कि तीसरी अपना सिर उठाने लगी, तो कहाँ तक मनचाही पूरी होती जाएगी। जीवन में ये उतार चढ़ाव, जीवन में ये ज्वार भाटे, जीवन में ये बसंत पतझड़ आते ही रहने वाला है। ये सब होते हुए भी हम कैसे अपने मन की समता कायम रख सकें, मन का संतुलन कायम रख सकें, मन को मैला नहीं होने दें, विकारों से विकृत नहीं होने दें, यही तो धर्म है। और धर्म क्या होता है भला? यही समता का धर्म धारण करना सीखें। सुख ही सुख, शांति ही शांति। जो गृह त्यागी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, मुनि हैं, भिक्षु हैं, गृह त्यागी पादरी हैं, साध्वियां हैं, अरे उन्हें तो करना यही है, और करना ही क्या है, इसी के लिए तो घर छोड़ा। लेकिन अपने अनुभव से जानता हूं और अनेकों के अनुभव से स्वीकार करता हूं कि हम गृहस्थों के लिए, हम गृहस्थों के लिए तो धर्म बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। गृहस्थ हैं तो कितनी जिम्मेदारियां लिए चलते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां,
राष्ट्रीय जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां, और जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं, हमारे लिए तो मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए तो मन की समता अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए तो धर्म धारण करना अत्यंत ही अनिवार्य है। सुख शांति धर्म में ही मिलती है, लेकिन आज के भारत के परिवेश में, बल्कि यूं कहें सारे विश्व के परिवेश में, हमने धर्म की क्या हालत बना ली। पिछले 1.5-2 हजार वर्षों से अपने यहाँ धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। धर्म कहते ही प्रश्न उठता है, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म कि बौद्ध धर्म कि जैन धर्म कि ईसाई धर्म कि सिख धर्म कि पारसी धर्म कि यहूदी धर्म, कौन सा धर्म? अरे भाई, भूल ही गए, धर्म हिंदू कैसे होगा, धर्म बौद्ध कैसे होगा, जैन कैसे होगा, ईसाई कैसे होगा, पारसी कैसे होगा, सिख कैसे होगा? हो नहीं सकता। इन्हें हम संप्रदाय कहें। आज के भारत में संप्रदाय शब्द बड़ा गर्हित हो गया, बड़ा घृणित हो गया। तो संप्रदाय नहीं कहना चाहें तो समाज कहें, समूह कहें, समुदाय कहें, संगठन कहें, जमात कहें। इन लोगों का ये समूह, ये समाज, भिन्न भिन्न लोगों के समूह, भिन्न भिन्न लोगों के समाज अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं या उस नाम से पुकारते हैं। ये भिन्न भिन्न समाज, भिन्न भिन्न प्रकार की रीति रिवाज, भिन्न भिन्न प्रकार के रहन सहन, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान, भिन्न भिन्न प्रकार के तीज त्यौहार, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व उत्सव, भिन्न भिन्न प्रकार के व्रत उपवास, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड, भिन्न भिन्न प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं मानने वाले, इन सब के आधार पर संप्रदायों की बुनियाद पड़ती है, और इन सब के आधार पर संप्रदायों के भवन खड़े होते हैं, इमारतें खड़ी होती हैं। इनका समाज से, इन समाजों से, समुदायों से, संप्रदायों से धर्म का कोई लेन देन नहीं। अपने आप को हिंदू कहने वाला आदमी बहुत धार्मिक भी हो सकता है, बहुत अधार्मिक भी हो सकता है। अपने को बौद्ध कहने वाला बहुत धार्मिक हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। धर्म का कोई लेन देन नहीं। भारत के, पुराने भारत की धर्म के बारे में क्या व्याख्या थी, धर्म शब्द का क्या अर्थ था, उसे समझें। धर्म कहते थे स्वभाव को, धर्म कहते थे प्रकृति को, धर्म कहते थे निसर्ग को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, ऋत को। ऋत वो जो सब पर लागू होती है, कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है, निसर्ग के नियम हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, बौद्धों के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। धर्म तो बड़ा महान होता है, धर्म सर्वव्यापी होता है, धर्म घट घट वासी होता है, धर्म बड़ा सर्वशक्तिमान होता है, धर्म अणु अणु को धारण करता है,
अणु अणु धर्म को धारण करते हैं, सजीव निर्जीव सब पर धर्म की हुकूमत चलती है। धर्म का अपना एक अस्तित्व है, महान अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है, विशाल अस्तित्व है। धर्म असीम है, अपरिमित है। अरे भाई, उसे सीमित न बनाए, उसे परिमित न बनाए। हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होके रह जाएगा, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का, जैन धर्म केवल जैनियों का, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का, इत्यादि इत्यादि। धर्म तो सबका है। धर्म सार्वजनीन होता है, धर्म सार्वदेशिक होता है, धर्म सार्वकालिक होता है, धर्म सनातन होता है। धर्म को इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है, इन खपच्चियों की जरूरत नहीं है, धर्म को इन सहारों की जरूरत नहीं है। इन बैसाखियों को दूर करें। धर्म को हिंदू धर्म कहते ही हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। धर्म को बौद्ध धर्म कहते ही बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। धर्म को मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के, यहूदी धर्म के, पारसी धर्म, इस तरह के नाम लगेंगे तो धर्म गौण हो जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। यही हुआ, धर्म भूल गए, धर्म का सही अर्थ भूल गए, तो उसे धारण कैसे करेंगे? और धारण नहीं करेंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? आज ये धर्म शब्द भी कितना दूषित हो गया। समझदार समझदार लोग जब धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं छोड़िए, ये धर्म की बात छोड़िए, कहाँ धर्म में शांति? अरे धर्म की वजह से तो इतनी अशांति, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने विवाद, इतने विग्रह, इतनी तू तू मैं और इतनी मारपीट, इतनी हत्याएं, इतना खून खराबा, इतनी आगजनी। धर्म के नाम पर नहीं चाहिए धर्म हमें। भूल गए भाई, धर्म ही भूल गए, धर्म का अर्थ ही भूल गए। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। प्राचीन भारत के धर्म का ये अर्थ आज भी कभी कभी धर्म शब्द को इस अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे प्राचीन भारत के धर्म शब्द की एक गूंज हमें सुनाई देती है, बड़े दूर की गूंज सुनाई देती है, जब हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। ये उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, वो स्वयं जलेगी और उसकी लपेट में जो आ जाएगा उसे जलाएगी। अगर जलती नहीं, अगर जलाती नहीं, तो भाई अग्नि नहीं, कुछ और होगी। इसी प्रकार कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना, शीतल होती नहीं, शीतल करती नहीं, तो बर्फ नहीं, कुछ और होगी। इसी प्रकार सूरज का धर्म प्रकाश देना, ताप देना, चंद्रमा का धर्म प्रकाश देना, शीतलता देना, इसमें हिंदूपने की क्या बात आई? जरा सोच के देखें, इसमें बौद्धपने की कि जैनपने की कि ईसाईपने की बात क्या है? अभी भी कभी कभी कह देते हैं सारे प्राणी व्याधि धर्मा हैं, सारे प्राणी जरा धर्मा हैं, सारे प्राणी मरण धर्मा हैं। स्वभाव है, जो जन्मेगा व्याधि में से गुजरेगा, जरा अवस्था में से गुजरेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा ही। इसमें हिंदूपने की क्या बात, बौद्धपने की क्या बात? भूल ही गए। अगर अग्नि की जलन हिंदुओं की एक प्रकार की होती, बौद्धों की एक प्रकार की होती, जैनियों की अग्नि की जलन एक प्रकार की होती, ईसाइयों की एक प्रकार की होती, तो कहते अलग अलग धर्म। नहीं होता ना भाई, तो हिंदू धर्म कैसे हुआ? तो धर्म बौद्ध कैसे हुआ?
तो जैन कैसे हुआ, ईसाई कैसे हुआ? स्वभाव है, प्रकृति है, निसर्ग है, निसर्ग के नियम हैं। ठीक इन्हीं नियमों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मन में कोई विकार जगाता है, क्रोध जगाए, द्वेष जगाए, दुर्भावना जगाए, ईर्ष्या जगाए, मात्सर्य जगाए, दौर्मनस्य जगाए, कोई भी विकार जगाए, इन विकारों का अपना धर्म है, इनका अपना स्वभाव है, बहुत व्याकुल बना देंगे। ये व्याकुल होती हैं और व्याकुल करते हैं, इनका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार मन को विकारों से मुक्त कर लें, मन बिल्कुल निर्मल हो जाए, निर्मल होगा तो सद्गुणों से भरेगा, मैत्री जागे, करुणा जागे, सद्भावना जागे, ये सद्गुण जैसे ही मन में जागेंगे उनका अपना स्वभाव है, बहुत शांत, बहुत सुख जो धारण करेगा उसे शांति महसूस होगी, सुख महसूस होगा, औरों के लिए भी शांति और सुख का वातावरण तैयार करेगा। जैसे जिस पात्र में हमने अग्नि रखी, वो अग्नि पहले उस पात्र को जलाएगी, खूब जलाएगी, उसे तापित करेगी, और फिर वो ताप आसपास के वातावरण में फैलेगा। जो व्यक्ति उस वातावरण के संपर्क में आएगा वो संतापित हो जाएगा। ये धर्म है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम है। ठीक इसी प्रकार जिस पात्र में हमने बर्फ रखी, वो बर्फ पहले उस पात्र को शीतल करेगी, खूब शीतल करेगी, फिर वो शीतलता आसपास के वातावरण में व्याप्त होगी, उस वातावरण के संपर्क में जो आएगा वो शीतलता महसूस करेगा। बिल्कुल यही स्वभाव, यही धर्म, यही नियम। ये जो विकार हैं, क्रोध के, द्वेष के, दुर्भावना के, ईर्ष्या के, जिसने धारण किया पहले उसे संतापित करेंगे, बहुत व्याकुल बनाएंगे, बहुत व्याकुल बनाएंगे, और फिर उसकी वो व्याकुलता आसपास के वातावरण में फैलेगी। उस वातावरण के संपर्क में जो आएगा वही व्याकुल हो जाएगा। ये नियम है, प्रकृति के निसर्ग के बंधे बंधाए नियम हैं। इसी प्रकार मैत्री, करुणा, सद्भावना जो व्यक्ति धारण करेगा, सबसे पहले वो सुख शांति महसूस करने लगेगा, फिर देखेगा उसके सुख शांति आसपास के वातावरण में समाने लगी, उस वातावरण के संपर्क में जो आया वही सुख शांति महसूस करने लगा। ये धर्म है, ये स्वभाव है, ये प्रकृति है। धर्म की इस परिभाषा को समझते हुए, धर्म की इस व्याख्या को समझते हुए, जो व्यक्ति जितना जितना विकारों से मुक्त होते जाता है उतना उतना धार्मिक होते जाता है। जो व्यक्ति अपने मानस को जितना जितना विकारों से मैला करता है वो व्यक्ति उतना उतना अधार्मिक होते जाता है। जितना जितना धार्मिक होते जाता है उतना उतना सुख शांति महसूस करने लगता है, और जितना जितना अधार्मिक होते जाता है उतना उतना दुख संताप भोगता है। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं। मैंने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, प्रकृति मुझे तुरंत दंड देगी, देर नहीं करेगी, तत्काल दंड देगी। कुदरत इस बात को नहीं देखेगी कि ये आदमी कब मरता है, चलो प्रतीक्षा करें, ये कब मरता है तब इसको नरक में भेजेंगे। एक आदमी अपने भीतर बहुत मैत्री, करुणा, सद्भावना जगाता है तो कुदरत ये नहीं देखती कि ये कब मरे और कब इसको स्वर्ग पहुंचाऊं। अरे यहीं इसी क्षण नारकीय अग्नि में जलने लगेंगे। क्रोध जगा के देखें, द्वेष जगा के देखें, दुर्भावना जगा के देखें, अभी हमारे लिए नरक तैयार हो गया। मैत्री जगा के देखें, करुणा जगा के देखें, सद्भावना जगा के देखें,
अभी स्वर्गीय सुख भोगने लगे, अभी ब्रह्मी आनंद भोगने लगे, यही फल मिलता है, अभी मिलता है। धर्म के ये नियम, निसर्ग के ये नियम, जो व्यक्ति जितनी जल्दी समझ जाता है, धर्म के रास्ते चलने लगता है, अपना भी मंगल साध लेता है, औरों के मंगल में सहायक हो जाता है। तो भाई, हम गृहस्थों के लिए तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि धर्म के नाम पर हमें कोई सांप्रदायिक बेड़ों में भेड़ बकरियों की तरह बांध न ले, हमें कोई भेड़ बकरियों की तरह जहां चाहे वहां हांक के न ले जाए, जो चाहे हमें धर्म के नाम पर भावावेश जगा करके, मजहब के नाम पर हमारे भीतर भावावेश जगा करके, जज्बात जगा करके, मास हिस्टीरिया पैदा करके जो नहीं करना चाहिए सो करवा ले और हमें पछताना पड़े, बहुत हुआ। इन संप्रदायों के बंधन में बहुत बंधे, धर्म के नाम पर चलने वाले भावावेश में बहुत बंधे। धर्म को सही रूप में समझें, शुद्ध धर्म होगा, संप्रदायिकता से विहीन, बहुत शांति देगा, बहुत सुख देगा। शुद्ध धर्म छूटेगा, बड़े व्याकुल हो जाएंगे, बड़े अशांत हो जाएंगे। सभी शुद्ध धर्म धारण करें, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। धर्म जगे तो सुख जगे, हर कित पुल कित हो। धर्म छूटे तो सब छूटे, आकुल व्याकुल हो। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात हुआ उजाला धर्म का, धर्म को समझें, बार बार समझें, धर्म का शुद्ध स्वरूप समझते रहेंगे तो धर्म धारण करना सरल होगा। धर्म किस मापदंड से मापा जाता है? एक ही मापदंड है, चित्त की निर्मलता ही धर्म है, चित्त का मैल ही अधर्म है। बस इस एक मापदंड से हम अपने आप को मापते रहें कि मैं कितना धर्म में पक रहा हूं, मैं कितना कितना धर्मिष्ठ हूं,
जितना जितना चित्त निर्मल है उतना उतना धर्मिष्ट, जितना जितना चित्त मैला है उतना उतना अधार्मिक। बस यही एक मापदंड है जिससे हर व्यक्ति अपने आप को मापता रहे तो धर्म के रास्ते चलना आसान हो जाएगा, अन्यथा भ्रांतियों में पड़ जाएंगे, गलत रास्ते पड़ जाएंगे, अपने मन में विकार जगाते जाएंगे, विकार जगाते जाएंगे और विकार जगा जगा कर अपने आप को व्याकुल भी करते जाएंगे, व्याकुल भी करते जाएंगे। फिर भी अमुक कर्मकांड पूरा कर लिया, इस परंपरा का ये कर्मकांड पूरा कर लिया, उस परंपरा का वो कर्मकांड पूरा कर लिया, ये वेशभूषा बना ली, वो वेशभूषा बना ली, ये दार्शनिक मान्यता मान ली, वो दार्शनिक मान्यता मान ली, वो तीज त्यौहार मना लिया, वो तीज त्यौहार मना लिया, वो पर्व उत्सव मना लिया या वो पर्व उत्सव मना लिया, इसी में उलझे रह जाएंगे और समझेंगे कि मैं तो बड़ा धर्मवान हूँ, बड़ा धार्मिक हूँ। जबकि हो सकता है कि धर्म का नामो निशान न हो, हर अवस्था में अपने आप को जांच के देखते रहेंगे, मेरा मन विकारों से मुक्त हुआ या नहीं, जितना जितना मुक्त हुआ मैं उतना उतना धार्मिक हुआ। एक ही व्यक्ति किसी एक समय बहुत धार्मिक होगा, चित्त बड़ा निर्मल है, किसी दूसरे समय उसके मन में कोई क्रोध जाग गया, द्वेष जाग गया, दुर्भावना जाग गई, राग जाग गया, ईर्ष्या जाग गई, मात्सर्य जाग गया, अहंकार जाग गया तो मैला हो गया तो धर्म नहीं रहा। तो समझे, इस समय मैं धार्मिक नहीं हूँ, इस समय अधार्मिक हूँ। यूँ अपने आप को जांचता रहेगा तो प्रयत्न कर करके जो जो विकार मन में जाग करके मेरे मन को मैला करते हैं उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता रहूँगा। चित्त निर्मल है तो निर्मल चित्त के आधार पर कोई भी मानसिक कार्य किया जाए, वाणी का कार्य किया जाए या शरीर का कार्य किया जाए, कुशल ही कुशल होंगे, मांगलिक ही मांगलिक होंगे, अपने लिए भी कल्याणकारी होंगे, औरों के लिए भी कल्याणकारी होंगे। चित्त मैला हो, विकारों से भरा हो और उस मैले चित्त के आधार पर जो भी काम करेंगे, मन का काम करें, वाणी का काम करें या शरीर का काम करें, अकुशल ही अकुशल कर्म होगा, अमंगल ही अमंगल होगा, अपने लिए भी अहित होगा, औरों का भी अहित होगा। इतनी सी बात धर्म की जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना कल्याण होता चला जाए। अब आदमी अपने आप को इस नाम से पुकारे या उस नाम से पुकारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसे परिवार में जन्मा है कि जिस परिवार के लोग अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं, ऐसे समाज में पला है जिस समाज के लोग अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं, वो भी अपने आप को इस नाम से पुकारे, क्या बुरी बात है। लेकिन हमेशा इस बात की जांच करता रहे कि मुझमें धर्म जाग रहा है कि नहीं, मेरा धर्म कहीं दूषित तो नहीं हो रहा। चित्त दूषित हो रहा है
धर्म दूषित हो रहा है, चित्त निर्मल होते जा रहा है, धर्म शुद्ध निर्मल होते जा रहा है और कल्याणकारी होते जा रहा है। धर्म और संप्रदाय, इन दोनों के भेद को खूब अच्छी तरह समझते रहें तो धोखा नहीं होगा। संप्रदाय के नाम पर जो काम करेंगे उसमें भी हो सकता है धर्म समाया हुआ हो, तो उसे अलग करके देखें, इतना इतना धर्म है और बाकी का धर्म से कोई लेन देन नहीं। अमुक अमुक कर्म कांड करने से जांच कर देखें कि मेरे चित्त में निर्मलता आई या नहीं। आई तो केवल कुछ क्षणों के लिए आई या टिकी, जांचते रहें। अमुक अमुक कर्म कांड करने से मेरे चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा ही विकारों से विकृत है, तो समझते रहें कि इसका धर्म से लेन देन नहीं है। यूं संप्रदाय को और धर्म को अलग करके देखते रहेंगे तो धर्म से हमें जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित नहीं होंगे। खूब समझते रहें कि धर्म हमेशा सार्वजनीन होता है, संप्रदाय हमेशा अल्पजनीन होता है, थोड़े से लोगों का होता है। धर्म कोई भी धारण कर सकता है, इस संप्रदाय का व्यक्ति हो, उस संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी संप्रदायों में ये मान्यता तो स्वीकृत है ही कि हम अपने चित्त को निर्मल रखें और जो काम करें वो निर्मल चित्त से करें, ये अच्छा है, ये तो सब मानते ही हैं। तो निर्मल चित्त से मैं अपना काम कर रहा हूं तो धर्मवान हुआ। ऐसा धर्मवान व्यक्ति अपने को हिंदू कहलाने वाला भी हो सकता है, अपने को मुस्लिम कहलाने वाला कि जैन कहलाने वाला कि बौद्ध कहलाने वाला कि ईसाई कहलाने वाला कि सिख कहलाने वाला, बड़ी आसानी से धर्मवान हो सकता है। और इन सारे नामों को इस्तेमाल करता हुआ, इनमें से किसी नाम को इस्तेमाल करता हुआ कोई व्यक्ति बिल्कुल अधार्मिक भी हो सकता है, लेन देन नहीं। धर्म सार्वजनीन है, सबका है। संप्रदाय केवल उस संप्रदाय में जो लोग शरीक हैं केवल उतनों का है, इसलिए वो सार्वजनीन है, संप्रदाय अल्पजनीन है। धर्म सार्वदेशिक है, संप्रदाय अल्पदेशिक है। संसार के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारने वाला कोई भी व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल करता है और शरीर और वाणी के काम निर्मल चित्त से करता है, धार्मिक है। कहीं हो, कहीं का रहने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संप्रदाय सार्वदेशिक नहीं होता, अल्पदेशिक होता है। विश्व के जिस हिस्से में या किसी देश के जिस हिस्से में उस संप्रदाय के लोग रहते हैं, बस उन्हीं लोगों का वो संप्रदाय है, तो सार्वदेशिक नहीं होता। धर्म सार्वकालिक होता है, हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और संप्रदाय अल्पकालीन होता है, एक संप्रदाय आज उत्पन्न हुआ, कुछ सदियों तक चला, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं रह गया, और कोई संप्रदाय उत्पन्न हुआ, कुछ समय तक चला, फिर उसका नामो निशान नहीं रह गया। धर्म ऐसा नहीं होता, धर्म तो हमेशा हमेशा कायम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। प्रकृति के नियमों में, कुदरत के कानून में कोई तब्दीली नहीं आती। आग का धर्म जलना तो आज भी वही, सुदूर भूतकाल में भी वही और सुदूर भविष्य तक भी वही रहे।
मन विकारों से विकृत हुआ कि हम व्याकुल हुए। धर्म का ये नियम सुदूर भूतकाल में भी वही, आज भी वही और भविष्य में भी वही। चित्त निर्मल हुआ और सुख शांति से भर गया। सुदूर भूतकाल में भी धर्म का ये नियम वैसा ही, आज भी धर्म का ये नियम वैसा ही और सुदूर भविष्य में भी धर्म का ये नियम ऐसा ही। तो धर्म हमेशा शाश्वत होता है, सनातन होता है। संप्रदाय अल्पकालीन होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। धर्म असीम होता है, संप्रदाय ससीम होता है, क्योंकि धर्म सब पर लागू होता है, उस पर कोई देश काल का बंधन नहीं। संप्रदाय पर देश काल के बंधन है, इसलिए वो ससीम है, कुछ लोगों का ही है, सबका नहीं है। यूं जांच के देखते रहेंगे धर्म और संप्रदाय को। निंदा नहीं किसी संप्रदाय के, लेकिन जितना जितना सार है धर्म का वो न छूट जाए, इसके लिए बहुत सजग रहेंगे। क्योंकि जो हमारा कल्याण होने वाला है वो धर्म से होने वाला है और धर्म की शुद्धता कायम रखने पर होने वाला है। चित्त निर्मल रहेगा, विकारों से विमुक्त रहेगा, तो कैसे सुख शांति का जीवन जिएंगे? हिंदू हो तो जिएगा ऐसा, मुस्लिम हो तो, ईसाई हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो। चित्त निर्मल हुआ, सुख शांति से भरा, कितना मंगल होने लगा। चित्त मैला हुआ, विकारों से भरा, व्याकुल हो गया, तो अपने आप को इस नाम से पुकारें कि उस नाम से पुकारें, हमारा तो अमंगल ही होने लगा, हमारा अकुशल होने लगा। बस ये एक मापदंड। एक बात और ध्यान रखनी होगी कि संप्रदाय रीति रिवाजों को लेकर के, संप्रदाय वेशभूषा को लेकर के, संप्रदाय तीज त्योहारों को लेकर के, संप्रदाय पर्व उत्सवों को लेकर के, संप्रदाय व्रत उपवासों को लेकर के, संप्रदाय दार्शनिक मान्यताओं को लेकर के, संप्रदाय उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के बल पर पनपते हैं और मजबूत होते हैं। धर्म को इन सहारों की जरूरत नहीं है। धर्म के लिए केवल एक सहारा है, चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता है तो धर्म सुदृढ़ है, और चित्त की निर्मलता सार्वजनीन है तो धर्म सबका है। संप्रदाय भिन्न भिन्न कर्मकांडों को लेकर के बना, भिन्न भिन्न दार्शनिक मान्यताओं को लेकर के बना, भिन्न भिन्न व्रत उपवासों को लेकर बना, तीज त्योहारों को लेकर के बना, इसलिए सार्वजनीन नहीं हो सकता। उन उन कर्मकांडों में, उन उन दार्शनिक मान्यताओं में, उन उन पर्व त्योहारों में हमारा चित्त निर्मल होता है। बस उतना उतना धर्म, चित्त निर्मल नहीं होता है तो धर्म नहीं। धर्म का अपना अलग क्षेत्र, चित्त निर्मल हो तो धर्म। एक और मापदंड, संप्रदायों में अंधविश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है, अंध मान्यताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है, धर्म में बिल्कुल नहीं। धर्म और अंधविश्वास साथ साथ नहीं चल सकते, धर्म और अंध मान्यता साथ साथ नहीं चल सकते। संप्रदाय तो अंध मान्यता के आधार पर ही पनपता है, फलता है, फूलता है, तो लोगों में भाववेश जगाता है, नाम धर्म का लेता है और लोगों में भाववेश जगाता है, लोगों में मजहबी जज्बात जगाता है, मास हिस्टीरिया जगाता है और बड़ा अमंगल करने लगता है, बड़ा अनर्थ करने लगता है। धर्म ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी अंधविश्वास के बल पर लोगों का भावावेश धर्म कैसे जगाएगा? जहां पर धर्म को मापने का मापदंड एक ही है,
कि भाई चित्त निर्मल है कि नहीं। चित्त निर्मल है तो धर्म है, चित्त निर्मल नहीं है तो धर्म नहीं है। बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। विज्ञान अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, अंधमान्यता को स्वीकार नहीं करता। ठीक इसी प्रकार धर्म अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, अंधमान्यता को स्वीकार नहीं करता। लेकिन किस कदर धर्म अपने शुद्ध रूप में आरंभ होता है और किस कदर बिगड़ते 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 एक संप्रदाय का रूप धारण कर लेता है। कोई आदमी किसी घनघोर जंगल में अंधेरी रात में कहीं भटक गया, अब जंगल के बाहर निकलने का उसे रास्ता नहीं दिख रहा, चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़, तो भय के मारे घबरा रहा है लेकिन रास्ता नहीं सूझता कैसे बाहर निकले। कोई करुणावान व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए उसके हाथ में एक मशाल देता है, मशाल माने एक डंडा है, उस पर कपड़ा लगाया है, कपड़े पर तेल लगाया है और उसमें आग है, तो उस रोशनी को हाथ में दे करके कहता है, देख ये पगडंडी है, इसके सहारे 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 निकल जा, इस जंगल के बाहर निकल जाएगा, खतरे के बाहर निकल जाएगा, बड़ा कल्याण हुआ। कोई महापुरुष यही करता है। लोग जहाँ भयभीत हैं, लोग जहाँ खतरे में पड़े हैं, उनको खतरे के बाहर निकलने के लिए धर्म की मशाल देता है। हम उस मशाल का इस्तेमाल नहीं करते, कोई प्रयोग नहीं करते। मशाल बुझ गई, उसका प्रकाश चला गया, हाथ में डंडा रह गया। इस महापुरुष ने जो मशाल दी उसका डंडा हाथ में रह गया, उस महापुरुष ने जो मशाल दी उसका डंडा हाथ में रह गया, डंडे ही डंडे रह गए। तो लड़ेंगे ही ना, और क्या काम आएंगे ये डंडे? अरे धर्म की रोशनी, धर्म का प्रकाश तो कब का बुझ गया? सबके डंडों का प्रकाश बुझ गया और डंडे लेकर बैठे हैं हाथ में, तो क्या होगा? कोई महापुरुष लोगों को प्यासा देख करके अमृत देता है तो किसी पात्र में देगा? किसी महापुरुष ने इस पात्र में दिया, किसी महापुरुष ने इस पात्र में दिया, हमको वो पात्र बड़ा प्यारा लगने लगा, उसे छाती से चिपका लिया, अमृत की एक बूंद नहीं चखी, उस पात्र में सुराख होते चले गए, सारा अमृत बह गया, खाली पात्र है और छाती से चिपकाए हैं, ये हमारा पात्र, ये हमारा पात्र। अरे ये पात्र ही संप्रदाय हो गए, धर्म का सार छूट गया। खूब समझें, हमारे लिए सार ही महत्वपूर्ण है। ये पात्र तो किसी भी महापुरुष को धर्म देना होगा, तो उस समय की जनता किस भाषा में कैसे समझती है उसी भाषा में समझाएगा, वो भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई, वो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। देखता हूँ विपश्यना के शिविरों में, बाहर भी लोगों से मिलता हूँ तो देखता हूँ कि जहाँ ये शब्द इस्तेमाल कर दिया पंचशील, अब देखो अपने को बौद्ध कहने वाले लोग इतने प्रसन्न हो गए कि ये हमारे धर्म की ही बात कर रहा है। कह दिया यम नियम तो अपने को हिंदू कहलाने वाले लोग इस तरह खुश हुए कि तो हमारे धर्म की ही बात करता है। अनुव्रत कह दिया तो जैनी खुश हो गए, 10 कमांडमेंट्स कह दिया तो क्रिश्चियन खुश हो गए। धारण कोई नहीं करता। अरे भाई धारण नहीं करेगा तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? धर्म बड़ा मंगलकारी है, जो धारण करे उसी की रक्षा करने लगता है, हमारे भीतर की सुख शांति की रक्षा करने लगता है। धर्म धारण करें। संप्रदायों के छिलकों को एक ओर रखते हुए शुद्ध धर्म, चित्त को निर्मल करने वाला धर्म जितना जितना धारण कर लेंगे उतने उतने सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे भीतर की सुख शांति सुरक्षित हो जाएगी। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा ही मंगल होगा, बड़ा ही कल्याण होगा। धर्म सदा मंगल करे,
धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, आओ आज जरा विवरण के साथ समझें कि धर्म क्या है। धर्म और संप्रदाय के भेद को भली भांति नहीं समझेंगे तो इन दोनों का सम्मिश्रण करके अपने भी हानि कर लेंगे, औरों की भी हानि कर लेंगे। खूब अच्छी तरह समझें कि धर्म का इन संप्रदायों से कोई लेन देन नहीं होता। संप्रदाय किसी एक समाज विशेष के, किसी एक जाति विशेष के हो सकते हैं, सीमित लोगों के हो सकते हैं। धर्म तो सबका होता है, धर्म सार्वजनीन होता है, धर्म सार्वदेशिक होता है, सार्वभौमिक होता है, धर्म सार्वकालिक होता है, धर्म सनातन होता है। इसलिए धर्म महान होता है, अपरिमित होता है, असीम होता है। निसर्ग के वो नियम जो सब पर लागू होते हैं वही धर्म कहलाएं। भारत की पुरातन भाषा में धर्म किसे कहते थे इसे जरा विवरण से और समझें। आज के 2500 वर्ष पूर्व के भारत में जनता की भाषा में धर्म का क्या अर्थ किया जाता था? दुर्भाग्य से उस समय के भारत की जनता की भाषा का एक विशाल साहित्य बहुत विपुल साहित्य, लगभग 15,000 पृष्ठों की धर्मवाणी और फिर उस पर भाष्य, टीकाएं, अनुटीकाएं, सारा मिलकर के कोई लगभग 50,000 पृष्ठों का साहित्य दुर्भाग्य से हमारे देश से लुप्त हो गया। पिछले 2000 वर्षों से लुप्त हो गया, पड़ोसी देश में गया और अब वहां से आ रहा है। उसको अध्ययन करने से मालूम होता है कि उस समय की भारत की भाषा में धर्म किसे कहते थे,
धर्म की क्या व्याख्या होती थी उसे समझें। उन दिनों की भाषा में कहा गया, धारेति ति धम्मो, धारण करे सो धर्म। ये एक व्याख्या हुई, धारण करे सो धर्म। एक और व्याख्या, अत्तनो स्वभावं अत्तनो लक्षणं धारेति ति धम्मो, अपना स्वभाव धारण करता है, अपना लक्षण धारण करता है, वो धर्म कहलाता है। धारेति ति धम्मो, धारण करे सो धर्म। तो कौन धारण करे और क्या धारण करें, उन दिनों की भाषा में बहुत स्पष्ट था कि चित्त धारण करता है। और क्या धारण करता है? चित्त वृत्ति धारण करता है। कभी ये चित्त वृत्ति धारण की, कभी वो चित्त वृत्ति धारण की। जो चित्त वृत्ति धारण की, चित्त ने जो चित्त वृत्ति धारण की, उन दिनों की भारत की भाषा में वो धर्म कहलाता था। देखते हैं उस विशाल साहित्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग, देखते हैं कुशल धर्म, अकुशल धर्म, मंगल धर्म, अमंगल धर्म, शुक्ल धर्म, कृष्ण धर्म, पुण्य धर्म, पाप धर्म। आज का कोई व्यक्ति इसे पढ़ करके जरा भौचक्का रह जाता है कि कैसी बात हुई कि पुण्य तो धर्म हुआ, पाप कैसे धर्म हो गया, कुशल तो धर्म हुआ, अकुशल कैसे धर्म हो गया, मंगल तो धर्म हुआ, अमंगल कैसे धर्म हो गया, शुक्ल तो धर्म हुआ, कृष्ण कैसे धर्म हो गया। तो समझें, जो धारण करे सो धर्म, उन दिनों की भाषा में जो धारण करे, चित्त ने ऐसी चित्त वृत्ति धारण की जिसकी वजह से हमें कुशलता प्राप्त होती है, जिसमें कुशलता समाई हुई है, वो उन दिनों की भाषा में कुशल धर्म कहलाया। ऐसी चित्तवृत्ति धारण की जिससे हमारा अकुशल होता है, उसमें अकुशल समाया हुआ है, वो अकुशल धर्म कहलाया। जिस चित्तवृत्ति में हमारा मंगल समाया हुआ, वो मंगल धर्म कहलाया। जिसमें हमारा अमंगल समाया हुआ, वो अमंगल धर्म समाया कहलाया। जो चित्तवृत्ति से हमारा चित्त पुनीत होता है, पवित्र होता है, वो पुण्य धर्म कहलाया। जिस चित्तवृत्ति से हमारा चित्त मैला होता है, वो पाप धर्म कहलाया। जिस चित्तवृत्ति से हमारा चित्त उजला होता है, वो शुक्ल धर्म कहलाया। जिस चित्तवृत्ति से हमारे मन में कालस आती है, वो कृष्ण धर्म, कन्ह धर्म कहलाया। कुछ दिनों तक इन शब्दों का प्रयोग चलता रहा और खूब चलता रहा, क्योंकि इतने बड़े विशाल साहित्य में बार बार इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। धीरे धीरे हमारे देश के सद्गुरुओं ने लोगों को समझाया कि देखो, वो चित्तवृत्तियाँ जिनमें तुम्हारा कुशल समाया हुआ है, जिनमें तुम्हारा मंगल समाया हुआ है, जिनकी वजह से तुम्हारा चित्त पुनीत होता है, पवित्र होता है, वो धारण करने योग्य है। और जिनसे तुम्हारा अमंगल होता है, जिनसे तुम्हारा अकुशल होता है, जो तुम्हारे चित्त को मैला करती हैं, उनको धारण करना तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो ये करणीय है और ये अकरणीय है। इन चित्त वृत्तियों को धारण करना करणीय है, करणीय है माने कर्तव्य है। इन चित्त वृत्तियों को धारण करना अकरणीय है माने कर्तव्य नहीं है। तो धर्म का एक अर्थ और प्रचलित हुआ, धर्म का अर्थ हुआ कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी चित्त वृत्तियां धारण करें जिनसे हमारा मंगल हो, हमारा कुशल हो,
चित्त पवित्र हो, उसमें कोई कालस ना आने पावे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी चित्त वृत्तियों को धारण न कर लें जिनमें हमारा अमंगल समाया हुआ, हमारा अकुशल समाया हुआ, जो हमारे चित्त को मैला करती है, जो हमारे चित्त को कलुषित करती है, उनको न करना कर्तव्य, इनको करना कर्तव्य। तो धर्म का एक और प्रचलित अर्थ चला, धर्म का अर्थ हुआ कर्तव्य। जो जो कर्तव्य है, कुछ समय बीतने के बाद बड़ा रोचक इतिहास है, दिलचस्प इतिहास है धर्म शब्द के अर्थ का। ये एक रोचक इतिहास है कैसे आगे जाकर के जो जो कर्तव्य है, जो जो करणीय है, वो सारा का सारा धर्म कहलाने लगा, और जो जो अकर्तव्य है, अकरणीय है, वो अधर्म कहलाने लगा, वो पाप कहलाने लगा। तो धर्म वो जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ। चित्त वृत्तियां ही इस प्रकार की हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, इसलिए दूसरी व्याख्या कि जो धारण किया उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। जिस चित्त वृत्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि हमें व्याकुल बना देगी, हमें पीड़ित कर देगी, हमें दुखियारा कर देगी, उसे न धारण करें। जिन चित्त वृत्तियों का स्वभाव ही ऐसा है कि हमें उससे बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा, उसे धारण करें। तो धीरे धीरे शब्दों का ये अर्थ प्रचलित होने लगा कि धर्म वो है कि जिसमें हमारा मंगल समाया हुआ, अधर्म वो है कि जिसमें हमारा अमंगल समाया हुआ। ये धर्म की व्याख्या धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठित होती चली गई। दो शब्द और देखते हैं हम धर्म के साथ जुड़े हुए। एक को कहा गया आर्य धर्म, एक को कहा गया अनार्य धर्म। आज के भारत में इन दोनों शब्दों के अर्थ बदल गए। आज तो आर्य किसी एक विशेष जाति को कहने लगे। गोरा चिट्टा रंग हो, बड़ी आँखें हो, लंबी नुकीली नाक हो, तो कहेंगे ये आर्य जाति का व्यक्ति है। कोई बेचारा काले रंग का हो, मोटे होठ हो, घुंघराले बाल हो, तो कहेंगे ये हबशी जाति का है। किसी का पीला रंग हो, चपटी नाक हो, और चुंधियाई चुंधियाई छोटी छोटी आँखें हो, तो कहेंगे मंगोल जाति का है। तो आर्य का ये जातिवाचक जो अर्थ है, उन दिनों के भारत में बिल्कुल नहीं था, जरा भी नहीं। आर्य कहते थे उस व्यक्ति को, कोई हो, काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, लंबे नाक का हो, ओछी नाक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो धर्म के रास्ते चलते चलते अपने चित्त से मैल दूर करते करते, जिसने चित्त और शरीर के परे की परम सत्य की अनुभूति कर ली, इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति कर ली, ऐसा व्यक्ति निर्मल चित्त हो गया, ऐसा व्यक्ति संत हो गया, वही आर्य कहलाया। और जो इस अवस्था पर नहीं पहुंचा, धर्म का पालन नहीं कर रहा है, गलत रास्ते पड़ा है, उन दिनों की भाषा में उसे अनार्य कहते थे। हीनो, गम्मो, पोथु जनिको, अनर्यो, अनथ संगितो, ऐसा अनार्य है, अरे बड़ा हीन है, बड़ा गंवार है, अपना अनर्थ ही अनर्थ करता है, धर्म से पृथक पड़ गया, वो अनार्य कहलाता था। जनता की भाषा में अनर्यो, ये अनार्य का अनर्यो, और अनर्यो ही होते होते आज की हिंदी में अनाड़ी जिसे कहते हैं, उसमें जाति से क्या लेन देन, गुणवाचक अर्थ हैं इनके, इन शब्दों के। अनाड़ी हो गया, इसे होश नहीं है, क्या कर रहा है, अपनी हानि करता है, औरों की हानि करता है। तो आर्य धर्म और अनार्य धर्म, वो चित्त वृत्तियां जिनको धारण करने से कोई अनार्य व्यक्ति आर्य बन जाए, वो आर्य धर्म। और वो चित्त वृत्तियां जिनके धारण करने से
कोई व्यक्ति अनार्य ही बना रहे वो अनार्य धर्म। यूं धर्म की ये दो व्याख्याएं। एक बात बहुत अच्छी समझ लेनी चाहिए कि आज से 1500-2000 वर्ष के पूर्व के भारत के साहित्य में, किसी परंपरा का साहित्य हो, ये शब्द ढूंढे नहीं मिलेंगे हिंदू धर्म कि बौद्ध धर्म कि जैन धर्म, बाकी सारे संप्रदाय तो आए ही बाद में, लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे। ये सारा का सारा पिछले 1500-2000 वर्षों में हुआ। इसके पूर्व आर्य धर्म, अनार्य धर्म, कुशल धर्म, अकुशल धर्म। एक और शब्द धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, सनातन धर्म। आज इसका भी अर्थ बिगड़ गया। आज तो कोई सनातन धर्मी है तो उसके विपरीत कोई आर्य समाजी है। सनातन कहें कि बहुत पुराना है तो ये हमारा सनातन धर्म है, बहुत पुराना है। लेन देन नहीं भाई, उन दिनों की भाषा में सनातन किसको कहते थे? जो सदा एक जैसा रहता है, शाश्वत है। धर्म हमेशा सनातन होता है, इसीलिए एष धम्मो सनातनो। धर्म सनातन है। अग्नि का धर्म जलना और जलाना, आज के लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी अग्नि का यही धर्म था, जलना और जलाना। आज भी धर्म यही है अग्नि का, जलना और जलाना। और आज के करोड़ों वर्ष के बाद भी यही धर्म रहने वाला है, जलना और जलाना। ठीक इसी प्रकार मन में क्रोध जगाएं, द्वेष जगाएं, ईर्ष्या जगाएं, दुर्भावना जगाएं, तो उनका धर्म, उनका स्वभाव हमें व्याकुल बनाना। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी इन चित्त वृत्तियों का यही स्वभाव था, आज भी इनका यही स्वभाव है, और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी यही स्वभाव रहने वाला है। इस माने में सनातन है, शाश्वत है। दुनिया में और सब कुछ बदलते रहता है, धर्म नहीं बदलता। कुदरत का कानून नहीं बदलता, निसर्ग के नियम नहीं बदलते, रित नहीं बदलता, वैसा का वैसा रहता है। इस माने में सनातन धर्म कहा गया। धर्म की इस व्याख्या को अच्छी तरह समझें तो इसे संप्रदाय के साथ जोड़ने को जी नहीं चाहेगा। धर्म सार्वजनीन होता है, कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। जो व्यक्ति अपने को हिंदू कहे उसके लिए कुदरत का कानून कोई अलग होगा, जो अपने को बौद्ध कहे उसके लिए कुदरत का कानून अलग होगा, जो जैन कहे, कोई मुस्लिम कहे, कोई ईसाई कहे, उनके लिए अलग अलग कानून होगा। ऐसा नहीं होता। आग जलाती है तो हिंदू को भी, बौद्ध को भी, जैन को भी, ईसाई को भी, जो उस जलती हुई अग्नि पर हाथ रखेगा उसका हाथ जलेगा। ये सार्वजनिक नियम है, सब पर लागू होते हैं। जो क्रोध जगाएगा व्याकुल हो जाएगा, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि जैन हो कि ईसाई हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस माने में धर्म सार्वजनीन होता है। इस वेशभूषा का हो कि उस वेशभूषा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो कि उस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कर्मकांड करने वाला हो कि वो कर्मकांड करने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सार्वजनीन है, सब पर लागू होता है। चित्त को मैला करो और कुदरत का दंड भुगतो, चित्त को निर्मल करो और कुदरत से पुरस्कार प्राप्त करो, सब पर लागू होता है। इसलिए धर्म सार्वजनीन होता है, धर्म सार्वदेशिक होता है। जो कुदरत का कानून यहां लागू है वही अन्य देशों में भी लागू है। जो कुदरत का कानून कश्मीर में लागू है वो कन्याकुमारी में लागू है। जो कच्छ में लागू है वो कामरूप में लागू है। जो भारत में लागू है वो अमेरिका में लागू है, जापान में लागू है, चीन में लागू है। सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। ठीक इसी प्रकार धर्म, कुदरत का कानून सार्वकालिक है, सनातन है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए किसी संप्रदाय के साथ उसे जोड़ लेना धर्म का
सही अर्थ भुला देना है। धर्म का सही अर्थ कायम रहेगा तो हम उसे संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो धर्म के नाम पर अपनी हानि नहीं होने देंगे। संप्रदाय के साथ जुड़ता है तो ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, और हमें हमारे धर्म को बचाना है। अपने धर्म को बचाना है तो उस धर्म को नष्ट करेंगे, नहीं तो वो धर्म हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। हमारे धर्म को नष्ट करे उसके पहले हम उसे नष्ट करें। अरे कहाँ तुम्हारा धर्म और कहाँ हमारा धर्म? धर्म तो सबका है भाई, इस बात को समझेंगे, नहीं समझेंगे तो ये सारे लड़ाई झगड़े खून खराबा होगा, समझेंगे तो अच्छी तरह बात समझ में आएगी कि मेरा धर्म तो उसी समय खतरे में पड़ गया जब मैंने अपने चित्त में विकार जगाया, उसी समय खतरे में पड़ गया। तो मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, जरूर करनी है, तो अपने चित्त को विकारों से विमुक्त रखूं, ये चित्त की रक्षा करनी है। अगर अपने चित्त की रक्षा सही ढंग से करता है तो धर्म की रक्षा करता है, और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करने लगता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित है। हम धर्म की रक्षा तो करें, धर्म हमारी रक्षा करने लगा। हमने धर्म का हनन किया, धर्म हमारा हनन करने लगा। इन चित्त वृत्तियों को दूषित नहीं होने दें, देखें हम धर्म की रक्षा करने लगे और धर्म किस प्रकार हमारी रक्षा करने लगा। शांति ही शांति, सुख ही सुख, बहुत शांति प्राप्त होती है चित्त को निर्मल रखने में। चित्त में मैल आने न पाए, मंगल इसी में समाया हुआ है, कल्याण इसी में समाया हुआ है। ऐसे धर्म को धारण करें, ऐसे धर्म को अपने चित्त में सुरक्षित रखें, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो, मैली मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल
चित्त निर्मल हो तो सद्गुणों से भर जाएगा, चित्त मैला हो तो दुर्गुणों से भर जाएगा। जब दुर्गुणों से चित्त भरेगा तो चारों ओर दुर्गंध फैलाएगा, सद्गुणों से भरेगा तो चारों ओर सुगंध फैलाएगा, सारा वातावरण खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। चित्त मैला हुआ कि हमारा धर्म छूटा, चित्त निर्मल हुआ कि हमारा धर्म सबल हुआ, बलवान हुआ। अपने यहां कहते हैं धृति क्षमा दमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षण। धर्म के ये 10 लक्षण हैं, सद्गुण हैं। किसकी मोनोपोली है इस पर? ये सद्गुण केवल इस संप्रदाय के व्यक्ति में ही आएंगे, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति में नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं ना होता। जो चित्त को निर्मल कर लेगा उसमें सद्गुण आने ही लगेंगे। गुलाब के इत्र में बहुत अच्छी सुगंध है, गुलाब का इत्र जो लगा लेगा उसी में वो महक फूटने लगेगी। गुलाब का इत्र इस बात को नहीं देखेगा कि मुझे किसी ब्राह्मण ने लगाया है, कि किसी शूद्र ने लगाया है, कि किसी हिंदू ने लगाया है, कि किसी मुसलमान ने लगाया है। अरे इत्र इत्र है भाई, उसका स्वभाव है, सुगंध से भर देगा। ऐसे ही धर्म धर्म है, उसका स्वभाव है, सद्गुणों से भर देगा तो जीना आ जाएगा, जीने की कला आ जाएगी। बस धर्म को अपने इस शुद्ध रूप में समझते रहें तो शुद्ध रूप में धारण करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, अन्यथा उलझे रह जाएंगे। धर्म के नाम पर न जाने किन किन जंजालों में उलझे रह जाएंगे। एके साधे सब सधे, चित्त निर्मल हो तो धर्म है, चित्त निर्मल नहीं है तो धर्म नहीं है। चित्त जितना जितना निर्मल है उतना उतना धर्म है। धर्म बड़ा वैज्ञानिक होता है, इसमें कहीं भावावेश को जगह नहीं होती। संप्रदाय भावावेश के बल पर चलता है, धर्म नहीं। धर्म शुद्ध वैज्ञानिक रूप से ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही। जैसे एक वैज्ञानिक कहता है दो हिस्से की हाइड्रोजन और एक हिस्से का ऑक्सीजन होगा तो नमी आएगी ही, मॉइस्चर आएगा ही, पानी बनेगा ही। हाइड्रोजन भी ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो तो वहां कोई नमी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार अपने देश के सुपर साइंटिस्ट ने अपने भीतर अनुभूतियों द्वारा कुदरत के इस कानून को, निसर्ग के नियम को, रित को अनुभूति द्वारा जान लिया। इमस्मिंग सति इदं होति, इमस्मिंग असति इदं न होति।
ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही। दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, ये परिणाम आएगा ही। ये नहीं होगा तो ये परिणाम नहीं आएगा। बस यही धर्म है। होश नहीं है और उसे ही कहा अविद्या है, अज्ञान है। भीतर ही भीतर क्या हो रहा है, अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाई को जो व्यक्ति देखता ही नहीं, वो जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, अध्यात्म कहते हैं अपने भीतर की सच्चाई को, तो अपने भीतर की सच्चाई के मामले में ये आदमी बेहोश है, अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है। इसे पता ही नहीं क्या हो रहा है भीतर, और इस अंधेरे में वो राग जगाता है, वो द्वेष जगाता है, और इन दोनों से उत्पन्न होने वाले अनेक अन्य प्रकार के विकार जगाता है, तो ये परिणाम आएगा ही, दुख आएगा ही, व्याकुलता आएगी ही। कोई व्यक्ति विकार भी जगाए और समझे कि मेरे मन में व्याकुलता नहीं आए, असंभव है। कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। हमें व्याकुलता नहीं अच्छी लगती तो सीधी बात है, विकार नहीं जगाएं। और विकार नहीं जगाएं इसके लिए सीधी बात है कि अंतर्मुखी होकर उस अवस्था तक पहुंचें जहां विकारों का उद्गम होता है। वहां पहुंच करके अगर हमने अपने मानस के स्वभाव को पलटना शुरू कर दिया, वो स्वभाव जो विकार जगाने का स्वभाव था वही बदलने लगा, तो विकार नहीं जागे। और विकार नहीं जागे तो ये व्याकुलता का परिणाम जो आता है वो परिणाम आना बंद हो गया। इतनी सीधी बात, इतनी सरल बात, इसमें संप्रदाय क्या करेगा। जिस व्यक्ति को धर्म धारण करना है उसको संप्रदायों से लेन देन नहीं, उसको किसी एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ सदियों पहले गलीलियो नाम के एक व्यक्ति ने ये सच्चाई खोज निकाली कि भाई ये जो धरती चपटी लगती है ना, ये चपटी नहीं है, ये गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है। किसी ने माना, किसी ने इस सच्चाई को नहीं माना। धीरे धीरे लोग मानने लगे तो किसी गलीलियो के संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं हुए। आवश्यकता क्या थी। किसी न्यूटन नाम के व्यक्ति ने यह सच्चाई खोज निकाली कि संसार में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उसी के बल पर ये सारे ग्रह उपग्रह नियमबद्ध होकर के अंतरिक्ष में परिभ्रमण कर रहे हैं। लोगों ने माना तो किसी न्यूटन के संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं हो गए। अरे इसी तरह से ये सारे तो सामान्य साइंस है, सामान्य साइंटिस्ट हैं जो हमारी सुख सुविधा के लिए किसी किसी बात का आविष्कार करते रहते हैं। हम उसका सदुपयोग करते हैं, सुखी होते हैं, हम उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सुपर साइंटिस्ट हुए, और जो सच्चाई खोज निकाली, अरे उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। धर्म की सच्चाई खोज निकाली, जो धर्म धारण करे, इस नाम वाला करे, इस भेषभूषा वाला करे, उस भेषभूषा वाला करे, इस देश वाला करे, उस देश वाला करे, इस बोली भाषा वाला करे, उस बोली भाषा वाला करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो धर्म धारण करे वही सुख प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे, कोई हो। और जो धर्म को धारण न करे दुखी हो जाए। किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। किसी राज्य के नियम होते हैं और उस राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है
तो अपराध अपराध करता है, राज्य की ओर से उसे दंड मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियम तोड़ा है, अपराध किया है, फिर भी दंड से बच गया। और ये तो होता ही है कि नियम तोड़ा है, अपराध किया है, और दंड मिलते मिलते न जाने कितना समय लगा। ये जो कुदरत के नियम हैं, निसर्ग के नियम हैं, धर्म के नियम हैं, इन्हें कोई तोड़े तो बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। तुरंत दंड मिलेगा, तोड़ा कि दंड मिला, देर भी नहीं लगेगी, तुरंत दंड मिला। मन को मैला किया कि तुरंत व्याकुल होगा, मन को निर्मल किया कि तुरंत पुरस्कार प्राप्त करेगा। अरे इतनी सीधी सी बात, धर्म की इतनी सीधी सी बात, और उलझा लिया हमने। ये दार्शनिक मान्यता, वो दार्शनिक मान्यता, ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, कहाँ उलझ गए। सीधी सीधी बात, मन को निर्मल रखो तो तुम बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बड़े धार्मिक व्यक्ति हो। मन को मैला करो तो तुम बड़े अधार्मिक व्यक्ति हो, अपनी भी हानि करते हो, औरों की भी हानि करते हो। बस इतनी सी बात समझनी है। धर्म धारण करना होता है, धर्म की भी केवल चर्चा होके रह जाए, खूब वाणी विलास हो, खूब बुद्धि विलास हो, बोलने वाला बोलकर बड़ा खुश हो कि देखो मैंने धर्म कितनी अच्छी तरह समझाया, सुनने वाले सुनकर बड़े खुश हों कि देखो हमने आज धर्म समझा और कितनी अच्छी तरह से समझा। क्या मिल गया भाई, क्या बोलने वाले को मिल गया और क्या इन सुनने वालों को मिल गया। जब तक धारण न करे तब तक कोई लाभ नहीं होता। ये धर्म की चर्चा हमें प्रेरणा दे सकती है, हमें मार्गदर्शन दे सकती है, पर उस मार्ग पर चलना होगा। हर व्यक्ति को कदम कदम उस मार्ग पर चलना होगा, तब वो धर्मवान बनता जाएगा। कदम कदम, थोड़ा थोड़ा, शनै शनै धर्मवान बनता चला जाएगा, तो शनै शनै शांति प्राप्त करता चला जाएगा, सुख प्राप्त करता चला जाएगा, मंगल साधता चला जाएगा। चलना होगा, कदम कदम हर एक को चलना होगा। धर्म के रास्ते चलने के लिए धर्म के तीन पांवड़े होते हैं, तीन पांव चले। इन तीन पांवड़ों में अध्यात्म के अंतरिक्ष को पूरा का पूरा माप लिया जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। क्या तीन पांवड़े हैं? पहला कदम है धर्म के रास्ते चलने वाले का, पहला कदम है शील, सदाचार का जीवन जीना। दूसरा कदम है संयम और समाधि का अभ्यास करना, अपने मन का मालिक बनना। तीसरा कदम है प्रज्ञा, प्रज्ञा द्वारा चित्त को नितांत निर्मल कर लेना। प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान, अपना ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं। पराया ज्ञान हमें प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। हमें अगर अपने चित्त को निर्मल करना है तो अपने भीतर अपनी प्रज्ञा जगानी पड़ेगी, अपना ज्ञान जगाना पड़ेगा। अनुभूतियों के स्तर पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान जागा वही प्रज्ञा कहलाती थी भारत में। उस प्रज्ञा में जितना जितना स्थित होता चला जाएगा उतना उतना धर्म पुष्ट होता चला गया, क्योंकि चित्त निर्मल होता चला गया। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, ये धर्म के तीन कदम, हर व्यक्ति इस पर चल सकता है। अपने को हिंदू कहने वाला भी, बौद्ध कहने वाला भी, जैन कहने वाला भी, मुस्लिम कहने वाला भी, ईसाई कहने वाला भी, जो चले उसी को वही प्रणाम मिलते चले जाएंगे। हिंदू अपने को हिंदू ही कहता रहे, बौद्ध बौद्ध कहता रहे, जैन जैन कहता रहे, मुसलमान मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी है, उसने अपना चित्त सुधारने का रास्ता पकड़ा और उस पर चल पड़ा, तो परिणाम तो वही आएंगे, आएंगे ही। किसको शील सदाचार कहते हैं? सारे रास्ते एक बात समझ के रहनी चाहिए कि धर्म है कि नहीं, कहीं संप्रदाय में तो नहीं उलझ रहा,
और धर्म वो जो वैज्ञानिक हो, धर्म वो जो सार्वजनिक हो, धर्म वो जो सार्वदेशिक हो, धर्म वो जो सार्वकालिक हो, तो धर्म है। तो क्या शील है, क्या सदाचार है कि मैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का हित नष्ट होता हो, कोई काम नहीं करूं। तो शीलवान हुआ, सदाचारी हुआ। क्यों नहीं करूं भाई? तो अपने देश के संतों ने, अरहंतों ने, महापुरुषों ने, बुद्धों ने, स्थित प्रज्ञों ने, जीवन मुक्त लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बात समझाई। आखिर समाज है, सब तरह के लोग हैं उसमें। अध्यात्म के क्षेत्र में कोई बिल्कुल बच्चे जैसा है, कोई युवक हो गया, कोई प्रौढ़ हो गया, जिसको जैसे समझ में आए वैसे बात समझाई गई। तो जो अभी अध्यात्म के क्षेत्र में बच्चे हैं उन्हें समझाया गया कि देखो, अगर शील सदाचार का पालन करोगे तो मरने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यहाँ तो सुखी होवोगे ही, पर इसके बाद मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुमने शील सदाचार का पालन नहीं किया, दुराचार का जीवन जिया, तो मरने के बाद तुम्हें नरक मिलेगा, घोर नरक मिलेगा। यहां भी दुखी हो जाओगे, वहां भी दुखी हो जाओगे। बच्चों जैसा मानस है तो बच्चों को कहते हैं अपनी पढ़ाई ठीक करोगे तो तुम्हें कैडबरी की 2 गोलियां मिलेगी। अब उसी लालच में वो पढ़ाई करता है, नहीं करोगे तो देखो तुम्हें बैंत से मार पड़ेगी। अब इसी भय के मारे वो अपनी पढ़ाई करता है। ये बच्चों को समझाने की बात हुई। पर सारे लोग सब समय बच्चों की तरह ही बने रहें तो अच्छी बात नहीं हुई। तो और लोगों को समझाया गया जो समझने लायक थे कि देख भाई, आखिर तू मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, तेरा औरों के साथ संबंध होता है, तो तुझे समाज में रहना है, परिवार में रहना है। और सोच के देख कि जब कोई व्यक्ति तेरी हत्या करे तो तुझे अच्छा नहीं लगता ना? जब कोई व्यक्ति तेरी कोई प्रिय वस्तु चुरा ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना? जब कोई व्यक्ति तेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यभिचार कर ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना? जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर तुझे ठगे तुझे अच्छा नहीं लगता ना? जब कोई व्यक्ति कड़वी बात बोलकर तेरा मन दुखाए, चुगली की बात बोल करके तेरा मन दुखाए, निंदा की बात बोल के तेरा मन दुखाए, तुझे अच्छा नहीं लगता ना? अरे इसी प्रकार भाई, जब तू किसी की हत्या करे, तब तू किसी की पराई वस्तु चुराए, जब तू किसी के परिवार के व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर ले, जब तू झूठ बोलकर किसी को ठगे, जब तू कोई कड़वी बात बोल करके, निंदा की बात बोल करके, चुगली की बात बोल करके किसी का मन दुखाए, उसको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो बात समझ में आए। अपने जैसा सबको जानो भाई। जो बात मुझे नहीं अच्छी लगती वो औरों को भी नहीं अच्छी लगती, तो इससे बचना चाहिए। और एक तरह से समझाया, और जो समझदार थे उनको समझाया कि अरे तो जब जब ये शील सदाचार का भंग करेगा, हत्या करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, झूठ बोलेगा, कड़वी बात बोलेगा, तो सारे वातावरण को अशांत कर देगा, तेरे चारों ओर आग लग जाए, तो तुझे शांति कहाँ से मिलेगी, शीतलता कहाँ से मिलेगी? तू भी तो उसमें तप्त होगा, संतप्त होगा। ओ, इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। इतना ही नहीं, और जो समझदार लोग थे उनको धर्म की गहराई से बात सिखाई गई। तू जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करता है, चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में कोई विकार न जगा ले। हत्या करेगा क्रोध जगाना होगा, चोरी करेगा लोभ जगाना होगा, व्यभिचार करेगा वासना जगानी होगी, झूठ बोलेगा अहंकार, ममंकार, भय,
ईर्ष्या, न जाने कोई न कोई विकार जगाना पड़ेगा, और ऐसे विकार जगाया कि तुझे दंड मिलना शुरू हो गया। पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे, पहले अपना हनन हुआ, फिर किसी दूसरे का हनन हुआ। जब जब शील सदाचार का भंग किया, अपनी हानि की, औरों की हानि की, अरे समझ भाई इस कुदरत के कानून को और इससे बच। लोग इस प्रकार धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझें, वैज्ञानिक रूप से समझें तो सदाचार का पालन करें, सदाचार का पालन करें तो अपना भी मंगल करें, औरों का भी मंगल करें। धर्म में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, स्वस्ति ही स्वस्ति। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख मिले, दुराचरण दुख ताप। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, अध्यात्म के ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए तीन महत्वपूर्ण सोपान होते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का पालन करके ही सम्यक समाधि का अभ्यास होता है। शरीर और वाणी से ऐसा दुष्कर्म करते रहें जिससे कि अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो, उनके हितों को हानि पहुंचे, तो हम समाधि के सोपान पर आगे नहीं चढ़ सकते। क्योंकि जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करेंगे तो पहले अपने मन में मैल जगाएंगे, मैल जगाएंगे तो समाधि सम्यक नहीं हो सकती, शुद्ध नहीं हो सकती। जड़ समाधियां भले प्राप्त हो जाएं, और जिस मार्ग का लक्ष्य ही ये है कि चित्त को नितांत निर्मल करना है, विकारों से विमुक्त करना है, तो सम्यक समाधि का ही अभ्यास करना पड़ेगा।
शील का पालन इसलिए भी करेंगे कि शील का पालन करते हुए हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जब जब शील सदाचार का भंग करेंगे, अपने मन में विकार जगाएंगे, कुदरत हमें दंड देने लगेगी, तो अपने ही हानि करेंगे, अपने आप को व्याकुल बनाएंगे। इस व्याकुलता से बचने के लिए हम शील सदाचार का पालन करेंगे और फिर सम्यक समाधि के अभ्यास में लग जाएंगे। अनेक प्रकार के आलंबन होते हैं जिनके सहारे मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है। किसी शब्द का सहारा, किसी रूप का, आकृति का सहारा, लेकिन इस रास्ते पर जो रास्ता हमें अध्यात्म के शिखर तक पहुंचाने वाला है, हमें ऐसी समाधि चाहिए जो शुद्ध हो, माने जिसका आधार न तो राग हो, न द्वेष हो और न ही किसी प्रकार की कोई कल्पना हो। मिथ्या आधार नहीं, सत्य का आधार, और सत्य भी वो हो जो अपने भीतर अपने बारे में हमारी जानकारी बढ़ाए। अपने बारे में क्या सच्चाई है इसे जानते हुए ही हम अपने विकारों से मुक्ति पा सकेंगे। तो इसलिए ये सांस का आलंबन चुना गया, सहज स्वाभाविक सांस, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, हम केवल साक्षी भाव से उसे जान रहे हैं और कुछ नहीं करते, उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं करते। जैसे भी आ रहा है जान लिया, ऐसे आ रहा है, जैसे भी जा रहा है जान लिया, ऐसे जा रहा है। बाईं नासिका में से गुजरता है कि दाहिनी नासिका में से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है, लंबा है कि ओछा है, जैसा भी है, हमें यथार्थ का दर्शन करना है, नैसर्गिक सत्य का दर्शन करना है, तो नैसर्गिक सांस का दर्शन करना है, जैसा भी है। क्योंकि लक्ष्य ये है कि अपने बारे में जानकारी करनी है। मैं किसे मैं किए जा रहा हूँ, किसे मेरा किए जा रहा हूँ, ये सारा शरीर स्कंद जिसे मैं मेरा किए जा रहा हूँ क्या है, कैसा है, और ये सारा चित्त स्कंद जिसे मैं मेरा किए जा रहा हूँ क्या है, कैसे काम करता है, और इन दोनों की मिलीजुली जीवन धारा क्या है, कैसे काम करती है, और फिर इस शरीर और चित्त के परे की जो सच्चाई है वो क्या है, कैसी है, ये सब अनुभूतियों के स्तर पर जानना है। किसी ने कह दिया और हमने श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार कर लिया तो केवल मानना हुआ। किसी ने कह दिया, हमने उस पर चिंतन मनन किया, बात ठीक लगी, हमने स्वीकार कर ली, फिर भी मानना हुआ, जानना नहीं हुआ। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। जानना अपनी अनुभूति से होगा। तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई है उसे स्वयं अपनी अनुभूति से जानना है। तो सारा मार्ग अपने आप को जानने का मार्ग, आत्मदर्शन का मार्ग, स्वयं दर्शन का मार्ग, सत्य दर्शन का मार्ग
अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अच्छी तरह अनुभूति के स्तर पर जान लेने का मार्ग। भारत की ये विद्या, इसका प्रभाव देश विदेशों पर पड़ा तो हम देखते हैं कि अपने आप को जानने की विद्या किस प्रकार जगह जगह फैली, और उसी की वजह से संतों की वाणी में, बाहर के संतों की वाणी में भी हम देखते हैं जब कोई कहता है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तो विपश्यना ही हुई, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। और मध्यकाल में अपने यहाँ के जो संत हुए, यद्यपि विधिवत विपश्यना विधि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है ये पिछले 2000 वर्षों से अपने देश से लुप्त हो गई, लेकिन फिर भी इन संतों की वाणी को पढ़ते हैं तो लगता है कि विपश्यना समाई हुई है। भारत के मध्य युग के संत अवश्य ही भीतरी भीतर विपश्यना करने वाले होंगे, तभी उनकी वाणी में हम देखते हैं अपने आप को जानने का कितना बड़ा महत्व। एक संत कहता है आपो जाने आपो आप, रोगन व्यापे तीनों ताप, आपो जाने आपो आप। जो स्वयं अपने आप को जान गया, अरे सारे भव तापों से मुक्त हो गया, सारे भव रोग से मुक्त हो गया, त्रिविध तापों से मुक्त हो गया, अपने आप को जान गया। ऐसे ही एक संत कहता है, पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है, अरे संत संत होता है भाई, संत का क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख और क्या बौद्ध। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को नितांत निर्मल कर लिया, मैत्री और करुणा के सद्गुणों से भर लिया, जिसका चित्त शांत हो गया, विकार विमुक्त हो गया, वो संत हो गया। तो पंजाब का ये संत कहता है कि हाशम तिणहा रब पछाता, ओ जिणहा अपना आप पछाता, हाशम तिणहा रब पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, उसने रब को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। अरे सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। अपने आप को जानते 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 कुदरत की सारी सच्चाइयां, अपने आप इनका उद्घाटन होना शुरू हो जाता है, कुदरत का कानून अपने आप स्पष्ट मालूम होने लगता है, और फिर कुदरत के कानून के अनुसार चलना आ जाता है, तो चित्त के मैल दूर होते 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 निर्मल अवस्था तक पहुंचता है, तो अपने भीतर कुछ अनजाना नहीं रह जाता, शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं, और फिर शरीर और चित्त के क्षेत्र का अतिक्रमण करके इसके आगे की सच्चाई, इंद्रियातीत अवस्था की सच्चाई का साक्षात्कार होता है। तो पहले अपने भीतर की सच्चाई क्या है, अपने बारे में क्या सत्य है, उसे जाने, आपो जाने आपो आप, स्वयं जाने। किसी दूसरे ने अपने भीतर की सच्चाई जानी और उसे शब्दों पर उतारा, हमने उसे सुना और मान लिया, तो जाना नहीं हमने। तो कहा संत ने, जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। अपने आप को जाने बिना भ्रम ही भ्रम, भ्रांति ही भ्रांति। जैसे जैसे भीतर यात्रा करनी शुरू करेंगे,
वैसे वैसे बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा कि अरे कितनी भ्रांतियों का जीवन जी रहे हैं, किस भ्रम का जीवन जी रहे हैं। सच्चाई प्रकट होती चली जाएगी। अपने बारे में जहाँ सच्चाई प्रकट होनी शुरू हुई, वहाँ बाहर की सच्चाइयाँ अपने आप प्रकट होने लगेंगी, क्योंकि कुदरत का कानून समझ में आने लगेगा। जो कुदरत का कानून बाहर काम कर रहा है, बिल्कुल वही भीतर काम कर रहा है। तो भीतर जब कुदरत का कानून समझ में आने लगा, तो अनुभूतियों से समझ में आने लगा, तो सच्चाइयों से समझ में आने लगा, बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जीवन ही बदलता चला जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ के संतों ने 3.5 हाथ की काया के भीतर सत्य का अनुसंधान करने की बात कही। 3 हाथ 1.5 अड़ाई ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई, ओ खोजो मेरे भाई, जानो मेरे भाई। ये 3 हाथ और 1 या आधा हाथ, ये 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या सत्य है, इस सत्य की खोज करो, इस अंबर की, इस आकाश की, इस अंतरिक्ष की खोज करो। मानो पश्चिम के वैज्ञानिकों को जो बाहर के अंतरिक्ष की खोज में चले हैं, भारत का ये संत उन्हें चेतावनी देता है, अरे क्या मिलेगा, भीतर के अंतरिक्ष की खोज करो, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, कुदरत का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अंदर की सच्चाई को जानना है, अनुभूतियों से जानना है, भीतर यात्रा करनी है, तो पहले मन को इस शरीर के दरवाजे पर तो रोकना सीखें। कितना डगमगाता हुआ मन है, कहीं तो स्थिर हो। तो बस जिन दरवाजों से सांस भीतर जाता है बाहर आता है, यहीं मन को टिकाना है, और इतना ही जानना है कि सांस भीतर आया कि बाहर गया, करना कुछ नहीं। न इस सांस के साथ कुछ जोड़ना है, न इस पर किसी बात का आरोपण करना है, न इसे प्रयत्न पूर्वक छोटा या बड़ा करना है, न बाईं नाक से दाही नाक की ओर बदलना है, न दाहिने से बाएं की ओर बदलना है। जैसा है वैसा है, बस साक्षी भाव से जानना है, तटस्थ भाव से जानना है। किसको तटस्थ कहते हैं? हम तट पर बैठे हैं और नदी बह रही है, नदी का प्रवाह स्वभावतः बह रहा है, हम उसके प्रवाह में कुछ नहीं करते। हम तो तट पर बैठे हैं, प्रवाह तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है, और प्रवाह का पानी निर्मल है तो निर्मल है, मैला है तो मैला है, जैसा भी है, तट पर बैठे हैं, केवल देख रहे हैं। ये सांस का प्रवाह चल रहा है और हमारा मन इस दरवाजों पर बैठा है, केवल जान रहा है, जैसा भी सांस आया जैसा भी सांस गया, बस केवल जानना है। इससे सरल काम और क्या होगा, कुछ नहीं करना, केवल जानना है। बड़ा सरल काम, लेकिन जब भी कभी समय निकाल करके इसका अभ्यास करने आओगे तो देखोगे बड़ा कठिन। 2 सांस भी नहीं जान पाए कि मन वो भागा, 2 सांस भी नहीं जान पाए कि वो भागा, तो मन में चिड़चिड़ाहट जागेगी। अरे कैसा मन लिए चल रहा हूं कि ये इतना सरल सा काम इसे भी नहीं कर सकता, भटकता रहता है। तो मार्गदर्शक कहेगा, अरे नहीं नहीं, चिड़चिड़ाना नहीं, क्रोध नहीं पैदा करना, इसी स्वभाव को बदलने के लिए तो आए हो, सच्चाई को स्वीकार करो। मन भटक गया, इस क्षण मेरा मन भटक गया, जैसे ही होश आया बस मन भटक गया, इतना ही जाना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मन अपने आप आ जाएगा। फिर भटक गया, होश ही नहीं रहा, भटक गया, फिर होश आया, होश आते ही भटक गया, फिर आ जाएगा। खींचतान नहीं करनी,
अपने आप आ जाएगा। यूं करते करते एक दिन बीते, दो दिन बीते, तो बैठे थे सांस देखने के लिए, सांस के आवागमन को देखने के लिए, और अपने आप इस मन का भी दर्शन होने लगा। कैसा मन है, कितना भटकता है, तो देखेगा कहाँ भटका भाई, कहाँ भटका, कहाँ गया, अरे कितने विषयों में गया, कोई नोट भी नहीं कर सके। लेकिन बहुत साफ मालूम होगा कि दो ही विषय में गया है, दो ही क्षेत्र हैं इसके जाने के लिए, या तो कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अब लगा उसमें लोट पलोट लगाने, या कोई भविष्य की बात आई मन में, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा तो ना हो, ऐसा तो ना हो, फिर कोई भूतकाल की बात याद आ गई, फिर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ओ तो केवल दो क्षेत्र हैं, या तो भूतकाल में रमण करेगा या भविष्य में रमण करेगा, ये वर्तमान में रमण नहीं करता। कैसा स्वभाव बना लिया, अरे जीना वर्तमान में है, हम भूतकाल में कैसे जिएंगे। जो क्षण चले गए वो सदा के लिए चले गए, दुनिया की सारी संपदा देकर भी उसे खरीद कर वापस एक बार जीना चाहें, असंभव है, गया। और भविष्य जब तक वर्तमान नहीं बनेगा, हम उसमें कैसे जिएंगे। जीना वर्तमान में है, और देखो कैसी आदत बना ली कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्य। ओ तो जीना नहीं आया, जीने की कला नहीं आई, तो सांस को देखते देखते ये जीने की कला सीख रहे हैं। भाई वर्तमान में आ जा, इस सक्षण की जो सच्चाई है उसके साथ रहे, फिर भटक गया, फिर इस सक्षण की सच्चाई, फिर भटक गया। ये एक बात समझ में आई अनुभूति पर। और एक बात समझ में आई कि जब जब भूतकाल में गया या भविष्य में गया, किस तरह के चिंतन चले, तो देखेगा दो ही तरह के चिंतन चले। कोई बात याद आई, पुरानी बात याद आई, तो या तो बड़ी प्रिय और या अप्रिय। भविष्य का कोई चिंतन चला तो या तो प्रिय या अप्रिय। तो देखता है कि जब जब कोई प्रिय चिंतन चला, भूतकाल का हो या भविष्य का हो, बड़ा सुखद लगा, बड़ा सुखद लगा, और जब जब अप्रिय चिंतन चला, बड़ा दुखद लगा, बड़ा दुखद लगा। तो ध्यान से देखेगा तो ये बात प्रकट होगी कि जब जब सुखद लगा कोई भी चिंतन, भूतकाल का कि भविष्य का, सुखद लगा, तो मानस के एक हिस्से ने प्रतिक्रिया करनी शुरू की, चाहिए चाहिए चाहिए, ये तो और चाहिए, ये तो और चाहिए। और जैसे ही दुखद लगा कि प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे यही तो राग है, यही तो द्वेष है। और प्रतिक्षण राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, और हमें पता तक नहीं क्या हो रहा है। बस ये भीतर की सच्चाई के दर्शन का पहला दृश्य हमारे सामने आया। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितनी सच्चाइयां सामने आने लगी। अपने आप को जाने बिना नहीं होता, चित्त को किसी आलंबन में समाहित कर दें तो अपने बारे में सच्चाई कैसे मालूम होगी। अपने बारे में सच्चाई जानेंगे तो अपने भीतर के विकारों को निकालते 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 चित्त को नितांत निर्मल कर लेंगे। मंगल तो इसी में समाया हुआ है, भला तो इसी में समाया हुआ है। जितना जितना चित्त निर्मल होता चला जाएगा, उतना उतना मंगल होगा, उतना उतना कल्याण होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जानो अपने आप को, समझो अपना आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप।
जागो लोगो जगत के धर्म जीवन में उतरे, आचरण में उतरे, धर्म जीवन का अंग बन जाए तो ही धर्म धर्म है, अन्यथा केवल वाणी विलास बुद्धि विलास का विषय होके रह गया, धर्म नहीं हुआ। धारण करें तो ही धर्म, अन्यथा धर्म नहीं। तो पहला कदम धर्म का कि सदाचरण जीवन में उतरे। हम शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों के सुख शांति भंग होती हो, अन्य प्राणियों के हितों की हानि होती हो, ऐसा कोई काम नहीं करें। हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, वाणी द्वारा झूठ बोलकर किसी को नहीं ठगें, वाणी से कोई कड़वी बात, चुगली की बात, परनिंदा की बात या निरर्थक निकम्मी बात बिल्कुल नहीं बोलें। इन चार दुष्कर्मों से बचना है। इन चारों दुष्कर्मों से बचने के लिए एक और दुष्कर्म है जिससे बचना बहुत आवश्यक है, और वो है कि हम नशे पते से दूर रहें। जैसे ही कोई व्यक्ति नशे पते का गुलाम हो जाता है तो ये चारों दुष्कर्म जो नहीं करने चाहिए वो कर गुजरता है, क्योंकि वो अपने आपे में नहीं है। तो नशे पते से भी दूर रहें। नशा केवल मदिरा का ही नहीं होता, ड्रग्स का ही नहीं होता, नशा धन का भी होता है और बहुत बड़ा नशा होता है। नशा राज्य की सत्ता का भी होता है और बहुत बड़ा होता है। उससे भी बचना है। किसी प्रकार का नशा हमारे सिर पर सवार हो जाएगा तो जो दुष्कर्म नहीं करने हैं वो करते चले जाएंगे। इसीलिए कहा प्रमाद ठाना वेरमणि, प्रमाद के जितने स्थान हैं माने जिन जिन से प्रमाद जागता है उनसे विरमण करें, उससे दूर रहें। चाहते तो सब हैं, बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं कि हमें ये दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं हमें ये सत्कर्म करने चाहिए, पर क्या करे बेचारा, कर नहीं पाता ना। महाभारत का युधिष्ठिर कहता है, महाभारत का दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर ने खूब समझा, सत्यं वद धर्मं चर, तो जब आचरण में उतरा तो ही स्वीकार करता है अन्यथा नहीं स्वीकार करता। दूसरी ओर दुर्योधन कहता है जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं कि यह धर्म है, ये करणीय है, ये कर्तव्य है, फिर भी इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती।
खूब जानता हूं कि ये अधर्म है, ये अकरणीय है, ये अकर्तव्य है, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं होती। तो भाई ये हालत तो सबकी है ना। शराबी खूब जानता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, बड़ी खतरनाक है, धीरे धीरे ये मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी, लेकिन समझते हुए भी जब समय आता है तो पी ही लेता है। जुआरी खूब जानता है कि ये जुआ मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी समय आता है तो जुआ खेल ही लेता है। व्यभिचारी खूब समझता है ये व्यभिचार हानिकारक है, फिर भी समय आता है कर ही लेता है। सारे दुष्कर्म समझते हुए भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मन वश में नहीं है, हम अपने मन के मालिक नहीं हैं। तो धर्म अगर ये पहला कदम चलना है, इतना ही बता के रह जाता, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि ये उपदेश देकर ही रह जाता, तो धर्म धर्म नहीं होता। फिर तो सुनने वाले इस कान से सुनते उस कान से निकल जाता। लेकिन इसीलिए धर्म का दूसरा कदम संयम, समाधि, माने अपने मन की मलकियत कैसे हासिल करें। मन का मालिक हो जाएगा तो अपने आप दुष्कर्मों को दूर रखेगा, सत्कर्मों की ओर प्रवृत्ति होने लगेगी। मन के मालिक कैसे हों? मन को एकाग्र करने के लिए कोई अभ्यास करना होता है, कोई प्रैक्टिस करनी होती है, कोई न कोई आलंबन, कोई न कोई सहारा लेना होता है, जिस आलंबन के आधार पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। अनेक आलंबन होते हैं जिनका सहारा लेकर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है। एक आलंबन जो बहुत प्रचलित है कि किसी देवी का, किसी देवता का, किसी ईश्वर का, ब्रह्म का, अल्लाह ताला का, किसी का नाम बार 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 मन ही मन उस नाम का उच्चारण करते रहो, बार 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 उस नाम का उच्चारण करते करते देखेंगे कि मन एकाग्र होने लगा, शांत होने लगा। और एक साधन किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह ताला की, अपने किसी आराध्य देव की, किसी गुरु की, जिस पर भी श्रद्धा हो, उसका चित्र सामने रखें, उसकी मूर्ति सामने रखें, कुछ देर तक खुली आँखों से देखते रहें, फिर आँख बंद करें, फिर आँख खोल के थोड़ी देर देखें, फिर आँख बंद करें। यूँ करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो चित्र, वो मूर्ति, वो आकृति बंद आँखों के सामने आने लगेगी। फिर बंद आँखों उस आकृति के सहारे चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। ये दो बड़े प्रचलित आलंबन, लेकिन जिसको अपने भीतर प्रज्ञा जगानी है, माने अपना प्रत्यक्ष ज्ञान जगाना है, जिसे विपश्यना के रास्ते चलना है, आगे जाकर जो तीसरा कदम है वो कदम उठाना है, उसके लिए काम की बात नहीं। चित्त एकाग्र जरूर हो जाएगा लेकिन काम की बात नहीं। क्यों काम की बात नहीं? एक मोटा मोटा कारण तो ये कि जिस किसी देवी का, देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, जिस किसी का भी नाम लेंगे, उसका चित्र का ध्यान करेंगे, मूर्ति का ध्यान करेंगे, तो वो उस संप्रदाय का, देवता का, देवी का, ईश्वर का, ब्रह्म का नाम हो गया,
उसकी मूरत हो गई तो सार्वजनिक बात नहीं हुई, सब लोग उसी एक देवी का देवता का नाम नहीं ले सकते, सब लोग उसी देवी या देवता का चित्र सामने रख के ध्यान नहीं कर सकते। ये तो मोटी मोटी बात है, पर समझेंगे कि क्यों हम इसको आगे के कदम के लिए उपयुक्त नहीं समझते। वैसे अगर किसी देवी देवता को उसके नाम को उसके रूप को न भी ध्यान करें तो कोई भी शब्द हो, जैसे घड़ी बांध रखी है तो घड़ी 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 बार बार घड़ी 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 करते जाएंगे, मन एकदम समाहित होता चला जाएगा। चुटकी बजाई और ये आवाज हुई चट 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 चट, बार बार दोहराते चले जाएंगे, मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। ताली बजाई, आवाज हुई पट, तो पट 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 पट, बार बार उच्चारण करते चले जाएंगे, मन ही मन उच्चारण करते चले जाएंगे, देखेंगे मन एकदम शांत होने लगा, समाहित होने लगा। फिर भी नहीं समझेंगे, क्यों नहीं? एक और तरीका होता है मन को वश में करने का, कि मन में कोई सुझाव देना शुरू कर दो, अच्छे सुझाव हो, अच्छे सुझाव देना शुरू कर दो, कोई कल्पना करनी शुरू कर दो, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इत्यादि इत्यादि। बार 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 ऐसा चिंतन करते करते हम देखेंगे कि मन शांत होने लगा, समाहित होने लगा। नहीं, इसे भी नहीं स्वीकार करते, तब क्या करें? तो विपश्यना के रास्ते ले जाने वाली परंपरा हमारे लिए एक ऐसा आलंबन देती है जो कि इन सब से दूर है, और वो है हमारा अपना सांस, सहज स्वाभाविक सांस, जैसे भी आ रहा है जैसे भी जा रहा है बस उसे जानते रहो। सांस की कसरत नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, सांस पर नियंत्रण नहीं करना, बिल्कुल नहीं, प्राणायाम बिल्कुल नहीं, सहज स्वाभाविक सांस, जैसे भी आ रहा है जैसे भी जा रहा है, लंबा है तो लंबा है, उसे ऊंचा करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऊंचा है तो ऊंचा है, उसे लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे, बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है, दोनों में से गुजरता है तो दोनों में से गुजरता है, उसे बदलने की जरा भी कोशिश नहीं करेंगे, बस केवल जानना है, केवल जानना है, केवल जानना है। क्यों? इसे समझें कि इसे ही क्यों चुना गया, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है कि हमें अपने बारे में जो सत्य है उसको अनुभूतियों के स्तर पर जानना है। अपने बारे में जो सत्य है, सत्य वो जो अपने आप प्रकट हो रहा है, उस सत्य को जानते जानते हम निसर्ग के सारे नियमों को जानने लगेंगे, कुदरत के कानून को जानने लगेंगे, विश्व के विधान को जानने लगेंगे, धर्म को जानने लगेंगे। अपने आप को जानने का काम हमारे लिए चित्त को निर्मल करने का रास्ता खोल देगा, और हमें चित्त निर्मल करना है। केवल एकाग्र करके रह गए और चित्त निर्मल नहीं हुआ तो काम की बात नहीं हुई। किसी बगुले को देखा होगा,
कितना एकाग्र चित्त होकर के तालाब के किनारे खड़ा है, सारा ध्यान उस तालाब पर है, किस बात पर ध्यान लगा है, कोई मछली दिख जाए उसे हड़प कर ले। ऐसे ही किसी बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी, एक रुआ नहीं हिलता, बहुत एकाग्र है, कोई चूहा निकले उसे हड़प कर ले। किसी शिकारी को देखा होगा अपनी दूनली बंदूक पर कैसे ध्यान लगाए बैठा है, सामने शिकार आए और उसे धाएं मार दे। ये सारी एकाग्रताएं हैं, नहीं चित्त को निर्मल करने वाली नहीं है। तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई है उसे जानते हुए साथ साथ चित्त के निर्मलता का काम भी करना है। वो तभी होगा जब अपने बारे में जो सच्चाई अपने आप प्रकट हो रही है उसे जानेंगे। तो कुदरत का जो कानून बाहर काम कर रहा है देखेंगे, वही भीतर काम कर रहा है। कुदरत का जो कानून बाहर काम कर रहा है वो तो हम बुद्धि से समझेंगे, उसको समझ भी लेंगे तो अपने भीतर अपने चित्त को निर्मल करने का काम कैसे करेंगे। वही कुदरत का काम जो भीतर काम कर रहा है, वही कुदरत का नियम जो भीतर काम कर रहा है, उससे जब अनुभूतियों से जानने लगेंगे तो चित्त में सुधार आने लग जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ के संतों ने कहा, इस रास्ते से गुजरे होंगे इसीलिए कहा कि बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई रे। जन नानक बिन आपा चीने, ओ कटे न भ्रम की काई रे। जन नानक, नानक जान गया है किसी की सुनी सुनाई बात को केवल श्रद्धा से मान नहीं रहा है, केवल बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके मान नहीं रहा है, अनुभूतियों से जान गया। तो कहता है कि हर व्यक्ति इसी प्रकार अनुभूति से जाने, सच्चाई को अपने भीतर अनुभूति से जान लेगा तो सारे भ्रम टूट जाएंगे, भ्रांतियां टूट जाएंगी। बाहर बाहर ही कुदरत का कानून देख के रह जाएगा, भ्रांतियां बनी रहेगी। तो कैसे अपने भीतर सच्चाई को जाने, सच्चाई को कल्पना नजदीक नहीं आने पाए। और सच्चाई वो जो अपने आप प्रकट हो रही है, किसी सच्चाई का आरोपण न करने लगे, किसी सच्चाई का निर्माण न करने लगे। तभी कहा उत्थापिया न जाई किता न हुई आपो आप निरंजन सोई। थापिया न जाई, जो सच्चाई प्रकट हो रही है उस पर कुछ और न थोपने लगे, कुछ इम्पोज न करने लगे, और कीता न होई कुछ क्रिएट न करने लगे। आपो आप निरंजन सोई, जो सत्य अपने आप प्रकट हो रहा है, अरे वो निरंजन है, वही ईश्वर है, क्योंकि वो सत्य है, अपने आप प्रकट हो रहा है। तो जो सांस अपने आप आ रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके साथ कोई शब्द नहीं जोड़ देना, उसके साथ कोई रूप कोई आकृति नहीं जोड़ देनी, उसके साथ कोई कल्पना नहीं जोड़ देनी, जैसा भी है। तो कर्ता भाव भी समाप्त और भोक्ता भाव भी समाप्त, बस दृष्टा भाव से जैसा है वैसा है। इस समय भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं नासिका से गुजरता है, दाहिनी नासिका से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है, दोनों से गुजरता है तो दोनों से गुजरता है। यथाभूत, जैसा है वैसा है, यथार्थ का दर्शन करना है, और वो यथार्थ अपने बारे में हो। इस सारी शरीर के प्रपंच में क्या हो रहा है, इस चित्त के प्रपंच में क्या हो रहा है, इससे इसे जानने के लिए पहला कदम सांस आ रहा है
सांस जा रहा है। कहना बड़ा आसान है, जब कभी समय निकाल करके किसी विपश्यना के शिविर में 10 दिनों के लिए आओगे और पहला कदम यही कि सांस आ रहा है सांस जा रहा है, अरे इसे ही जानना है, करना कराना कुछ नहीं, वो तो अपने आप आ रहा है अपने आप जा रहा है। हमने अपने मन को सांस के ठोर पर लगा दिया, शरीर के इस दरवाजे पर लगा दिया, इसी से मन सांस भीतर जाता है इसी से बाहर जाता है, बस यहीं लगा दिया, तो देखेंगे कि इसको जानते जानते चित्त एकाग्र ही नहीं होने लगा, चित्त निर्मल भी होने लगा। कठिनाई आएगी, कठिनाई आते हुए भी अपने मन के स्वभाव को पलटना है। जैसे जैसे प्रयत्न करते जाएंगे देखेंगे सांस के सहारे 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 चित्त एकाग्र होने लगा, एकाग्र होने लगा, निर्मल होने लगा। भले ऊपर ऊपर से ही हुआ पर धीरे 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 गहराइयों में जाएंगे, जितना जितना चित्त निर्मल हो जाएगा उतना उतना धर्म स्थापित हो जाएंगे, उतना उतना मंगल होना शुरू हो जाएगा, उतना उतना कल्याण होना शुरू हो जाएगा। धर्म में कितने स्थापित हो रहे हैं उतना मंगल होता ही है, उतना कल्याण होता ही है। धर्म में मंगल ही मंगल, धर्म में कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। सांस देखते देखते चित अविचल हो जाए, अविचल चित निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात हुआ उजाला धर्म का, अध्यात्म की यात्रा अपने भीतर करनी होती है। अपने बारे में सच्चाई की खोज करनी हो तो अपने भीतर डुबकी लगानी होगी। जो जो सच्चाई जिस जिस क्षण प्रकट होती जाए उस क्षण उसी सच्चाई को स्वीकार करें। जो प्रकट नहीं हुई है उसकी कहीं कल्पना न करने लगें, उसकी कहीं कामना न करने लगें। इसीलिए सारा मार्ग यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाभूत जैसा है इस क्षण जैसा हुआ, यथाभूत
सांस कैसा है, गहरा है कि छिछला है, कि बाएं नासिका से गुजरता है कि दाहिनी से गुजरता है, जैसा है वैसा है, यथाभूत यथाकृत नहीं। कितन हुई किया न जाए, इस पर कुछ आरोपित न करने लगे। सांस के साथ साथ कोई शब्द जोड़ दिया, कोई नाम जोड़ दिया, कोई मंत्र जोड़ दिया, मन तो खूब टिकने लगेगा, लेकिन जो अपने आप को जानने की, अपने बारे में सच्चाई के अनुसंधान करने की यात्रा है, वो अवरुद्ध हो गई। मन टिक गया, लेकिन गहराई से अपने बारे में कैसे जानेंगे? तो यथाभूत था पियन जाई कितन हुई, कुछ आरोपित नहीं करें, यथा आरोपित नहीं, कुछ कल्पना नहीं करें, यथा कल्पित नहीं, यथा कृत नहीं, अपने आप जो प्रकट हो रहा है, आपो आप निरंजन सोई, अपने आप क्या हो रहा है, बस उसे ही स्वीकार करते हुए चले, तो देखेंगे कि जैसे जैसे सत्य का दर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे एक ओर मन एकाग्र हो रहा है, भले थोड़ी थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो रहा है, पर ये एकाग्रता साथ साथ निर्मलता भी ला रही है। वैसे वैसे चित्त निर्मल हुए जा रहा है, और जितना जितना निर्मल होगा उतनी उतनी और सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन हो सकेगा। विकारों के पर्दे उतरते चले जाएंगे तो ही सच्चाई का दर्शन होगा। जो दर्शन के ना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, इस दर्पण को मांजते रहना होगा। मन के दर्पण को जितना जितना मांजेंगे उतना उतना दर्शन बहुत स्पष्ट होगा, सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। जितना जितना सत्य के सहारे रहेंगे उतनी उतनी निर्मलता आती चली जाएगी। सांस देखते देखते हम अपने मन के स्वभाव को देखने लगे कि जब जब मन भूतकाल में या भविष्य में गया और उसे कुछ प्रिय लगा या अप्रिय लगा तो वो राग जगाता है, वो द्वेष जगाता है। जिस समय वो सांस पर फिर आ गया, अब केवल सांस आ रहा है जा रहा है इतना ही जानता है, तो न राग है न द्वेष है। सांस चाहिए चाहिए ऐसा राग कौन जगाता है, और सांस चला जाए ऐसा द्वेष कौन जगाता है? बस यथाभूत जान रहा है। भले थोड़े से क्षण मिलते हैं, काम शुरू करते हैं तो बहुत थोड़े से क्षण मिलते हैं जबकि यथाभूत जैसा है वैसा है, लेकिन वो क्षण बड़े कीमती हैं। उन क्षणों में विकार दूर होने लगे, और विकार दूर हुए बिना कोई दुख के पार नहीं हो सकता। जे भाई चेत तजे न विकारा तो के विधि होवे दुख पारा। चित्त के विकार निकले नहीं और समझें कि हमें दुखों से मुक्ति हो जाएगी, नहीं होने वाली है। तो इस क्षण की सच्चाई को यथाभूत देखें, साक्षी भाव से देखें, तटस्थ भाव से देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, न राग की न द्वेष की। उतना उतना विकार दूर हुआ, जितना जितना विकार दूर हुआ उतनी उतनी और सूक्ष्म सच्चाइयाँ हमारे सामने आने लगी। इस रास्ते चलने वाले को एक बात खूब ध्यान रखनी होगी कि हर कदम सच्चाई के साथ हो। इस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई बस वही मेरे लिए सत्य है, अगला क्षण आया और उस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई वही मेरे लिए सत्य है। यूं क्षण प्रतिक्षण आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। अरे जहां सच से काम किया जाए और क्षण प्रतिक्षण सच के ही साथ रहें तो यात्रा सच खंड की होगी।
और सच खंड की होगी तो चलते चलते अंतिम परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। सत्य नहीं छूटे तो कहा संत ने, किम सचिया राहू विये, किम कूड़े तुट्टे पाले, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाड़े। तो कहा संत ने, किम सचिया राहू विये। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषा को एक नया शब्द गढ़ कर दिया। दुखियारा शब्द बहुत प्रचलित था, दुखियारा वो जिसके पास सुख का नामो निशान ना हो, सुखियारा वो भी प्रचलित, सुखियारा वो जिसके पास दुख का नामो निशान ना हो। संत ने कहा सचियारा, सचियारा वो जिसके पास झूठ का नामो निशान ना हो। ये वाणी के झूठ की बात नहीं है, सच खंड की यात्रा पर निकले हैं तो हर कदम सच के साथ, कोई कल्पना नजदीक आने ना पाए। कोई सत्य किसी अन्य को अनुभूत हुआ, परम सत्य सिद्धार्थ गौतम को अनुभूत हुआ और वे बुद्ध बन गए, तो उनको अनुभूत हुआ वो सत्य मेरे लिए सत्य नहीं है, मेरे लिए वही सत्य है जो मैं अनुभव कर रहा हूं। यूं सत्य को स्वयं अनुभव करते हुए क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे कि सारा कुदरत का रहस्य सामने आने लगा। क्योंकि झूठ को नजदीक नहीं आने दिया, कल्पना को नजदीक नहीं आने दिया, हमारी वो दार्शनिक मान्यता, अरे उसका क्या हुआ वो तो आरोपित करो ही, हमारी ये दार्शनिक मान्यता, अरे इसका क्या हुआ इसको तो आरोपित करो ही, अरे ये नाम तो बड़ा पवित्र है, ये मंत्र तो बड़ा पवित्र है, इसको तो साथ जोड़े। कुछ नहीं, कुछ आरोपित न हो, था पिया न जाए, कीता न होई, कोई इम्पोज्ड ट्रुथ न हो, कोई क्रिएटेड ट्रुथ न हो, नेचुरल ट्रुथ, आपो आप निरंजन सोई, तो सारा रहस्य खुलने लगा। तो हुकुम रजाए चलना, क्या हुकुम रजाए, इस कुदरत का क्या हुकुम है, उसकी क्या रजा है, या यूं कहना चाहें तो इस परमात्मा का क्या हुकुम है, उसकी क्या रजा है, खूब समझ में आने लगेगा। क्या हुकुम है, क्या रजा है, अपने चित्त को निर्मल रख, तूने जैसे ही चित्त को मैला किया दंड मिलेगा तुझे, तत्काल मिलेगा। तो उसकी ये रजा है, उसका ये हुक्म है कि चित्त को निर्मल ही रखना है, मैला नहीं होने देना। तो इस प्रकार चलेंगे, कुदरत के कानून के अनुसार चलेंगे। तो हुक्म रजाई चलना, ये हुक्म रजाई कहां मिलेगी भाई, पुस्तकों में नहीं मिलते, प्रवचनों में नहीं मिलते, केवल बुद्धि विलास होके रह जाएगा, नहीं मिलेगी। जब अनुभूति पर उतरेगी तब समझ में आएगी। तो कहा नानक लिखिया नाड़े, वो हमारे साथ हमारे भीतर लिखा हुआ है। क्या कुदरत चाहती है, उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, तो अपना ज्ञान जागने लगा। देख जब कोई बात प्रिय लगी, हमारे चिंतन में कोई बात प्रिय आई कि राग जगने लगा, हमारे चिंतन में कोई अप्रिय बात आई कि द्वेष जगने लगा, और द्वेष जगने लगा या राग जगने लगा तो मन ने अपनी समता खो दी, मन ने अपना संतुलन खो दिया, और जैसे ही समता खोई संतुलन किया बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा बेचैन हो गया। ओ ये हुकुम रजाई है, जब जब मैं अपने मन में राग जगाता हूँ या द्वेष जगाता हूँ और इसके वजह से अपनी समता खोता हूँ तब तब व्याकुल हो जाता हूँ, ये कुदरत का कानून है। अब अनुभूतियों से जानने लगा। जो अनुभूति वाला ज्ञान है वही हमें कल्याण करने वाला ज्ञान है हमारे लिए। ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, पहले को कहते हैं श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान जो किसी और का है लेकिन हमने सुना है, हमने पढ़ा है,
परोक्ष ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस किसी ने कहा है या जिस किसी ग्रंथ में लिखा है हमको उस पर बड़ी श्रद्धा है, तो श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसे जाना नहीं, परोक्ष ज्ञान है। अगला कदम होता है चिंतन ज्ञान का, जो पढ़ा जो सुना अब उस पर चिंतन मनन करेगा। मनुष्य है, चिंतन मनन करना उसका स्वभाव है। चिंतन मनन करके देखेगा कि भाई जो सुना है जो पढ़ा है क्या वो बुद्धि संगत है, क्या वो युक्ति संगत है, क्या वो धर्म संगत है। अगर युक्ति संगत है, बुद्धि संगत है, धर्म संगत है तो ही स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। अरे जो बात सामान्य बुद्धि को ही स्वीकृत न हो उसको कैसे स्वीकार कर लें हम। तो चिंतन करके देखा, मनन करके देखा, हाँ भाई ये तो स्वीकार करने योग्य बात है, तो चिंतन ज्ञान हुआ। अभी भी पराया ज्ञान है, हमारा अपना ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान है, किसी ने कहा, हमने उस पर चिंतन मनन किया और स्वीकार किया। तो तीसरा ज्ञान, पहला ज्ञान जो श्रुत ज्ञान है हमारे लिए कल्याणकारी है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है, उसके आगे बढ़ते हैं चिंतन ज्ञान, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। पर जो सही लाभ होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है, उसी को उन दिनों की भाषा में प्रज्ञा कहा। ये अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष नहीं, अपनी अनुभूति से जाना। अपनी अनुभूति से जानने लगे कि देख राग जागा और व्याकुल हुआ, द्वेष जागा और व्याकुल हुआ, राग दूर हुआ, द्वेष दूर हुआ, फिर समता आई, व्याकुलता दूर हो गई, बड़ी शांति आई। अब अनुभूति का ज्ञान है, ये अनुभूति का ज्ञान ही कल्याणकारी है। किसी ने कहा रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, कहने वाले पर हमें विश्वास है, अच्छा भाई तू कहता है तो जरूर मीठा है, नहीं विश्वास है तो वो कहता है देख इसमें चीनी पड़ी है, शक्कर पड़ी है, मीठा होगा ही ना। हम बुद्धि लगाते हैं, बात तो ठीक है, जिसमें चीनी पड़ी हो मीठा तो होगा ही, लेकिन जब तक हमने अपनी जबान पर नहीं रखा हम उस मिठास को क्या जाने। तो ये तीसरा ज्ञान जो रसगुल्ला जबान पर आ गया, हमारी जीभ पर धर लिया, अरे सचमुच मीठा है, सचमुच मीठा है, बड़ा कल्याण हो गया। अनुभूति बिना सारे के सारे दूसरे ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान हमारा कल्याण नहीं कर सकते, हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं। सही कल्याण हमारा होगा अपने अनुभूत ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, हमारी प्रज्ञा से। यही काम शुरू हुआ, सांस के सहारे 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 सत्य देखना शुरू किया। आरंभ में बड़ा स्थूल स्थूल सत्य, जैसे आगे बढ़ते हैं उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, और आगे बढ़ेंगे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। इस अवस्था पर पहुंचेंगे कि सारा शरीर किन नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना है, वो सारा अनुभूति पर उतर आएगा। भौतिक जगत का सूक्ष्मतम सत्य क्या है, अनुभूति पर उतर जाएगा। ऐसे ही चेतसिक जगत का सूक्ष्म सत्य क्या है, अनुभूति पर उतर जाएगा। और जब ये अनुभूति पर उतर जाएगा तो पर्दे उतरते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे सूक्ष्म से और सूक्ष्म की ओर बढ़े, पर्दा उतरा तो बढ़े। मैल का पर्दा उतरता है तो उससे सूक्ष्म प्रकट होता है, और पर्दा उतरता है तो और सूक्ष्म प्रकट होता है। यूं हम जितनी जितनी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सत्य सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मन निर्मल होता जा रहा है, निर्मल होता जा रहा है। एक अवस्था आती है जबकि यह शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयों को देख जाने के बाद इसके परे की सच्चाई प्रकट होती है, क्योंकि सारे घूंघट उतर गए। तो कहा संत ने, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का एक पट नहीं, घूंघट के पट, अब गुंठन पर अब गुंठन, घूंघट पर घूंघट, अरे कितने पर्दे लगाए पड़े हैं। ये मैल के पर्दे जो हमें सच्चाई देखने नहीं देते,
सच्चाई का साक्षात्कार तब हो जबकि सामने कोई पर्दा ना हो। पर्दा है तो कैसे देखेंगे? ये मैल का पर्दा है ना, ये मैल का पर्दा उतरता जाता है, उतरता जाता है तो और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है, और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है तो मैल का पर्दा और उतरता है, और उतरता है। कोई जंजाल में नहीं उलझते, कोई दार्शनिक मान्यता में नहीं उलझते, कुदरत के कानून को समझते हैं, अनुभूति से समझते हैं। तभी संत कहता है, अरे तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता सुलझावन वाली, ओ मैं कहता सुलझावन वाली, ओ तू क्यों रहा उलझाय रे। संत कहता है, क्यों उलझाते हो हमें, क्यों उलझाते हो संसार को? ये हमारी दार्शनिक मान्यता, ये हमारी सांप्रदायिक मान्यता। अरे मान्यता ही मान्यता, जान्यता कहाँ, अनुभूति कहाँ? सत्य अनुभूति पर उतरना शुरू हो जाए, बड़ा मंगल हो, बड़ा कल्याण हो। अनुभूति पर उतरे तो इसलिए सारा का सारा रास्ता किम सचिया राहु विए, सत्य ही सत्य के सहारे चलते चले जाएंगे तो एक पर एक पट उतरते चले जाएंगे, एक पर एक पर्दे उतरते चले जाएंगे। ये जो बहुत ठोस ठोस शरीर मालूम होता है, देखेंगे कि सारा ठोसपना खत्म हो गया और केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, परमाणु ही परमाणु, परमाणु ही परमाणु। अनुभूति पर उतरना चाहिए। ऐसे ही ये चित्त बड़ा घनीभूत, कोई भावावेश जागा, कितना घनीभूत हो गया, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसके टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, यूं होते होते तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, सारा शरीर स्कंद, सारा चित्त स्कंद, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। तो देखेगा अपनी अनुभूति से, सबो पज्जलितो लोको, सबो लोको पकंपितो, पकंपितो, पकंपितो। अरे केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रज्वलन ही प्रज्वलन, प्रकंपन ही प्रकंपन, सारा शरीर स्कंद, सारा चित्त स्कंद, यूं सच्चाई को देखते देखते, निर्मलता लाते लाते लाते, उस अंतिम परम सत्य तक पहुँचेगा। लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, पर कहीं तो काम शुरू करना पड़ेगा। तो सांस से काम इसलिए शुरू किया कि सांस को देखते देखते देखते, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, फिर इस नासिका के इर्द गिर्द हम देखेंगे किसी प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई जीव रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, कोई ना कोई संवेदना प्रकट हो रही है, कभी गर्मी सी, कभी सर्दी सी, कभी पसीना सा, कभी धड़कन सी, कभी स्फुरना सी, कभी सिहरन सी, कभी पुलकन सी, कभी धूजन सा, कभी कंपन सा, खुजलाहट सी, गुदगुदाहट सी, अरे कुछ भी हो सकती है। ये शरीर की संवेदनाएं हैं, होती ही रहती हैं। मानस बड़ा स्थूल था तो देख ही नहीं पाता था, अनुभव ही नहीं कर पाता था, अब सूक्ष्म होने लगा, जैसे जैसे एकाग्र होने लगा और निर्मलता के साथ एकाग्र होने लगा, वैसे वैसे सूक्ष्म होने लगा, सूक्ष्म होने लगा, तो और सूक्ष्म अनुभूतियाँ होने लगी। जो सूक्ष्म अनुभूतियाँ इस नासिका के इर्द गिर्द होने लगी, चार दिन होते होते, पाँच दिन होते होते, देखेंगे सारे शरीर पर अनुभूति होने लगी, और सारे शरीर पर स्थूल स्थूल अनुभूति होते होते कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभूति होने लगी, सारा कुदरत का रहस्य खुलने लगा। किस प्रकार इन संवेदनाओं की वजह से राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, नहीं राग जगाते, नहीं द्वेष जगाते, व्याकुल नहीं होते, ये सांस के सहारे काम शुरू किया। स्थूल सत्य से सूक्ष्म सत्य बढ़ते बढ़ते अंतिम सत्य तक पहुंच गए। बड़ा मंगल है इस सत्य के मार्ग पर, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है, बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण, बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य
जागो लोगो जगत के बीती काली रात हुआ उजाला धर्म का मन को विकारों से मुक्त करने वाली इस साधना का काम हम सांस के प्रति जागरूक रहकर शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो शरीर पर होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहने का काम करते हैं। सांस नैसर्गिक स्वाभाविक जैसा भी है उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं और इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया न हो इसके लिए सचेष्ट रहते हैं। हमने केवल सांस और केवल शारीरिक संवेदनाओं को ही अपनी इस साधना का आलंबन क्यों बनाया, इसे समझना चाहिए। हमारे सांस का हमारे मन से और मन से ही नहीं हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं का हमारे मन से और मन पर होने वाले इन विकारों से बहुत गहरा संबंध है और हमें तो अपने मन का निरीक्षण करना है और मन पर विकार कब जागे, कैसे जागे इसका निरीक्षण करना है, इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन विकारों का संवर्धन कैसे होता है और इस विद्या के द्वारा ये संवर्धन कैसे रोका जा सकता है और धीरे धीरे अपना स्वभाव पलटते हुए उस अवस्था पर पहुंचते हैं जहाँ विकारों का प्रजनन होना ही बंद हो जाए। पुराने विकार जो एकत्र किए हुए हैं उनका निष्कासन होते 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 चित्त विकारों से नितांत विमुक्त हो जाए, नए विकार बने नहीं
पुराने जो एकत्र थे उनका निष्कासन हो गया तो चित्त नितांत निर्मल हो गया। इसलिए इन दोनों का उपयोग करते हैं, सांस का भी और शरीर पर होने वाली इन संवेदनाओं का भी। साधक स्वयं देखता है, सांस का निरीक्षण करते करते स्वयं देखता है कि जैसे ही मन में कोई विकार जागा, कोई पुरानी बात याद आई उसको लेकर के विकार जागा, कोई क्रोध जागा, कोई भय जागा, कोई वासना जागी, जो विकार जागा, जागते ही सांस ने अपनी स्वाभाविकता खो दी। अब सांस स्वाभाविक नहीं रहा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा। साधक तो साक्षी भाव से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन करने का काम उसका नहीं है। विकार जागा है और सांस जरा सा भारी पड़ गया है, तेज हो गया है, देखते देखते विकार दूर हुआ और जैसे ही विकार दूर हुआ सांस फिर स्वाभाविक हो गया। ओ तो स्पष्ट मालूम होता है, अनुभूतियों से मालूम होता है कि हमारे सांस का हमारे मन से और मन के विकारों से गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, साक्षी भाव से देखते देखते ये बात स्पष्ट होती है कि मन में कोई भी विकार जागे, उसके साथ साथ शरीर में कोई न कोई संवेदना जागती ही है। जैसे क्रोध जागा, जैसे ही क्रोध जागा सारे शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ेगा। ये सारे के सारे लक्षण क्रोध की वजह से शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के हैं। इसी प्रकार जो भी विकार मन में जागेगा, यहाँ तक कि मन में कोई शब्द भी जागेगा तो शरीर पर एक संवेदना के साथ जागेगा। ये निसर्ग का नियम है। हमारे देश के उस महापुरुष ने जिस वैज्ञानिक ढंग से शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को विश्लेषण कर करके देखा तो ये बात बड़ी स्पष्ट समझ में आई कि सब्बे धम्म वेदना समुसरण। पुरानी भाषा में धर्म कहते थे चित्तवृत्ति को। चित्त जो कुछ धारण करे, जो कुछ धारण करेगा शरीर के संवेदनाओं के साथ उसका बहाव शुरू हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। और इस सारे प्रपंच को, शरीर और चित्त के प्रपंच को देखते देखते बहुत स्पष्ट मालूम होगा कि कैसे हमारा चित्त शरीर के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है और ऐसे ही हमारा शरीर चित्त के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और भीतर ही भीतर कैसे प्रवाह चल रहे हैं, कैसे करंट चल रहे हैं, अंडर करंट चल रहे हैं, क्रॉस करंट चल रहे हैं। और हमें अपने बुद्धि के स्तर पर या मानस के ऊपरी ऊपरी स्तर पर कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। इस विपश्यना साधना द्वारा हम मानस के गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं, गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं तो ये सारा रहस्य हमारे सामने खुलता चला जाता है। किस प्रकार, किस चित्तवृत्ति के कारण, किस विकार के कारण इस प्रकार के परमाणुओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ऐसे परमाणुओं के कारण ऐसी चित्तवृत्ति की उत्पत्ति हुई, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, खूब समझ में आने लगता है। कुदरत का सारा कानून, निसर्ग के सारे नियम अनुभूतियों के स्तर पर स्पष्ट होते चले जाते हैं। और जब अपने बारे में, अपने भीतर कुदरत का कानून स्पष्ट होते जाता है तो बाहर की दुनिया का कानून भी अपने आप स्पष्ट होते जाता है। आखिर बाहर की दुनिया
क्या है बाहर की दुनिया, उसका क्या अस्तित्व है? बाहर की दुनिया का अस्तित्व हमारे लिए तभी तक है जबकि वो हमारी इन पांचों इंद्रियों में से किसी इंद्रिय पर स्पर्श करती है। रूप का, रंग का, रोशनी का, आकृति का, इसका संसार तभी तक हमारे लिए संसार है जबकि ये हमारे चक्षु के, आंख के दरवाजों को आकर के स्पर्श करते हैं। अगर आंख न हो, जिस व्यक्ति के पास जन्म से आंख ही नहीं है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि इस संसार में कोई रंग भी होता है, कोई रूप भी होता है, कोई रोशनी भी होती है, कुछ नहीं जान पाएगा। उसके लिए ऐसा संसार है ही नहीं। ऐसे ही शब्द कान को लगते हैं तो उनका अस्तित्व है। शब्द के संसार का अस्तित्व हमारे लिए तभी है जबकि वो हमारी कान की इंद्रिय पर लगते हैं। ऐसे ही गंध का संसार हमारे लिए तभी तक है जबकि हमारे नाक को स्पर्श करता है। रस जब हमारे जीव को स्पर्श करता है, कोई स्पर्शव्य पदार्थ जब हमारी त्वचा को स्पर्श करता है तो ही उसका अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं। तो ये बाहर की दुनिया का भी हमारे मानस से क्या संबंध है, ये बहुत स्पष्ट मालूम होने लगता है। सांस को देखते 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 मन सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया, तो तीक्ष्ण होता गया, तीक्ष्ण होता गया, अधिक से अधिक संवेदनशील होता गया, संवेदनशील होता गया, तो शरीर पर होने वाली ये संवेदनाओं की अनुभूति करने लगा। और जब काम शुरू होता है तो शरीर की स्थूल स्थूल संवेदनाएं, घनीभूत संवेदनाएं, अधिकतर अप्रिय संवेदनाएं ही सामने आती हैं। सारा मार्ग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने का मार्ग है। आरंभ हमेशा स्थूल सत्यों के अनुभव से होता है और आगे बढ़ते हैं तो उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। चित्त जितना जितना समता में स्थित होता है उतना उतना निर्मल होता है, और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना तीक्ष्ण होता है। इसीलिए इस प्रज्ञा को कहा बीधती हुई प्रज्ञा, भेदन करती हुई प्रज्ञा, छेदन करती हुई प्रज्ञा। जो घनीभूत सत्य हमारे सामने प्रकट हुआ उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, विभाजन होने लगता है, विघटन होने लगता है और यूं विश्लेषण होने लगता है। एक समय आता है अनेक साधकों को पहले 10 दिन के शिविर में, अन्यथा दूसरे 10 दिन के शिविर में, अन्यथा कुछ समय के बाद, जबकि ये स्थूल स्थूल घनीभूत संवेदनाएं पिघलते 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 केवल तरंगों में रह जाती हैं। सारा ठोस लगने वाला शरीर ऊपर ऊपर से ठोस लगता है लेकिन जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो सारा ठोसपना समाप्त हो जाता है, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर प्रपंच तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। ठीक इसी प्रकार सारा चित्त प्रपंच स्थूलता से आरंभ होगा। चित्त में जैसे ही कोई भावावेश जागा, क्रोध का जागा कि भय का जागा कि वासना का जागा, तो बड़ा घनीभूत होकर के आया और हम उसे साक्षी भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं। अब होने लगा उसका विभाजन होने लगा, विघटन होने लगा, होते 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 वो भी केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर तरंगे ही तरंगे, सारा चित्त तरंगे ही तरंगे, चित्त वृत्तियां तरंगे ही तरंगे। जब इस अवस्था पर साधक पहुंचता है और पकता है तब उसका अध्ययन और आगे बढ़ता है। एक वैज्ञानिक की तरह अध्ययन करना है। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है इसलिए ठीक होगा, भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए ठीक होगा, अमुक शास्त्र ऐसा कहते हैं ठीक होगा। लेन देन नहीं, हमारी अनुभूति पर क्या उतर रहा है। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, सारा शरीर तरंगे ही तरंगे, आँख पर ध्यान गया तरंगे ही तरंगे, कान पर ध्यान गया तरंगे ही तरंगे, नाक पर ध्यान गया तरंगे ही तरंगे, जीभ पर ध्यान गया तरंगे ही तरंगे, सारे शरीर की त्वचा और भीतर तक तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अचानक कोई शब्द आया, एक शब्द आया और कान से टकराया तो साधक देखता है तरंगे ही तरंगे,
कोई रूप आंख से टकराया, तरंगे ही तरंगे। कोई गंध नाक से टकराई, तरंगे ही तरंगे। कोई रस जीभ से टकराया, तरंगे ही तरंगे। कोई स्पर्शव्य पदार्थ त्वचा से टकराया, तरंगे ही तरंगे। ऐसे ही हमारा मानस भी तरंगे ही तरंगे, और मानस पर कोई विचार उठा वो भी तरंगे ही तरंगे। तो पकंपितो, पकंपितो सबो लोको पकंपितो, ये केवल 3.5 हाथ की काया ही नहीं, बाहर के जितने आलंबन हैं तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अब देखता है क्या हुआ, ये सारा शरीर, ये सारा चित्त तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। एक शब्द आया, तरंग आई, तरंग से तरंग लगी, तो एक विशिष्ट प्रकार की तरंग सारे शरीर में चलने लगी जो बड़ी न्यूट्रल है। इतने में मानस का एक अंग अपना सिर उठाता है, मानस का एक हिस्सा अपना सिर उठाता है। अरे क्या हुआ इस कान के दरवाजे पर, क्या हुआ, क्या खटपट हुई? ओ, कोई शब्द आया, शब्द आया, इसलिए ये तरंग आई। इतने में मानस का एक दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाता है, उसने पहचानने का काम किया, क्या शब्द आया, कैसा शब्द आया, गाली का शब्द है या प्रशंसा का शब्द है। वो अपनी पुरानी अनुभूतियों के बल पर, अपनी पुरानी याददाश्त के बल पर पहचानता है, और केवल पहचान के नहीं रह जाता, वो मूल्यांकन भी करता है। शब्द आया गाली का शब्द, अरे बहुत बुरा। शब्द आया प्रशंसा का शब्द, अरे बहुत अच्छा। मानस के इस दूसरे खंड ने जैसे ही मूल्यांकन कर दिया, साधक देखेगा कि सारे शरीर में जो तरंगें चल रही थी जो बड़ी न्यूट्रल थी, अब मूल्यांकन हुआ कि गाली है और बहुत बुरी है, देखेगा सारे शरीर में दुखद ही दुखद, दुखद ही दुखद, सारी संवेदनाएं दुखद बन गई। प्रशंसा है, बहुत अच्छा है, मूल्यांकन हुआ बहुत अच्छा है, इतने में देखेगा सारे शरीर में सुखद ही सुखद, सुखद ही सुखद। तो मानस का तीसरा खंड इन संवेदनाओं को भोगने का काम करने लगा, संवेदनाओं को अनुभव करने का काम करने लगा। इतने में मानस का चौथा खंड अपना सिर उठाता है, सुखद है तो बड़ी अच्छी लगी, तो और चाहिए, और चाहिए, प्रतिक्रिया करता है, और चाहिए, और चाहिए। दुखद लगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया करता है। तो सुखद है तो राग की प्रतिक्रिया करता है, दुखद है तो द्वेष की प्रतिक्रिया करता है, और ये संवेदनाएं और तीव्र होती हैं, तीव्र होती जाती हैं, तो राग तीव्र होते जाता है, द्वेष तीव्र होते जाता है। साधक देख रहा है, अरे ये प्रपंच केवल कान के दरवाजे पर नहीं, ऐसा ही आंख के दरवाजे पर है, ऐसा ही नाक के दरवाजे पर है, जीभ के दरवाजे पर है, त्वचा के दरवाजे पर है, और जब इन पर नहीं तो मन के दरवाजे पर है। ये 6 तो दरवाजे हैं जिनसे हमारा दुनिया का संबंध है, और इन 6 दरवाजों पर कुछ न कुछ स्पर्श होता है, स्पर्श होता है, उसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होता है, संवेदना सुखद होती है दुखद होती है, संवेदना सुखद या दुखद होती है तो प्रतिक्रिया शुरू होती है, राग होता है, द्वेष होता है। सारा रहस्य समझ में आने लगा, अब होश जागता है। ये इंद्रियों पर भिन्न भिन्न विषय स्पर्श करते ही रहेंगे, और ये मानस का हिस्सा मूल्यांकन भी करेगा, तो वेदनाएं भी सुखद होंगी दुखद होंगी, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हर प्रतिक्रिया एक विकार जगाती है, राग का जगाए, द्वेष का जगाए, और इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न प्रकार के विकार जगाए। विकार जगाया कि मेला हुआ, चित्त ने विकार जगाया कि मेला हुआ, और मेला हुआ तो व्याकुल हुआ। ये सारा प्रपंच अनुभूतियों से देख रहा है, अनुभूतियों से जब देखने लगा, इन गहराइयों में जाके देखने लगा, तो अपने आप स्वभाव बदलने लगा, स्वभाव बदलने लगा। अब अनुभूतियां हो रही हैं, संवेदनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, सुखद भी हैं दुखद भी हैं, और साधक देखता है, अच्छा सुखद संवेदनाएं आई हैं, देखें कब तक रहती है, देखें कब तक रहती है। साक्षी भाव से देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, अरे देखते देखते देर सवेर समाप्त हो गई,
दुखद संवेदना आई है तो देखें कितनी देर रहती है, देखते 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 समाप्त हो ही गई। यूं खूब समझ में आता है कि सारी संवेदनाएं शरीर और चित्त से उत्पन्न होने वाली ये सारी संवेदनाएं अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं, इनका उत्पाद होता है, व्यय होता है, ये केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अनुभूति से जानने लगा जो इतना नश्वर है, इतना भंगुर है, अरे उसके प्रति क्या राग करें, उसके प्रति क्या द्वेष करें, स्वभाव पलटने लगा। अब उसे केवल साक्षी भाव से देख रहा है, तटस्थ भाव से देख रहा है। तो वो स्वभाव शिकंजा जिसका कि मानस बंदी बन गया था, जब देखो तब भीतर ही भीतर कोई ना कोई सुखद अनुभूति होगी और वो राग पैदा करेगा, कोई ना कोई दुखद अनुभूति होगी और वो द्वेष पैदा करेगा। अब वो शिकंजा टूटने लगा, टूटने लगा। ये नहीं कि 10 दिन की साधना में ही इस स्वभाव शिकंजे से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे, एक रास्ता मिलता है कि मानस के गहराइयों तक पहुंच कैसे हो। ये शरीर पर होने वाली संवेदनाएं हमारे अंतर मन से जुड़ी रहती हैं, हमारा अंतर मन प्रतिक्षण शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है और प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करते रहता है। हम धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो सुनते हैं उनका हमारे मानस पर जो असर होता है वो केवल सतही सतही ऊपर ऊपर होता है, बुद्धि के स्तर पर होता है, और वो सारे मानस का मुश्किल से 5% होगा। पुरानी भाषा में इसीलिए उसे परित चित्त कहा, बड़ा छोटा सा चित्त है, परिमित चित्त है। उसे हम सुधारते हैं, अच्छा है उतना ही सुधरे, लेकिन अंदर जो घनीभूत विकारों का भंडार है वो वैसे का वैसा रह गया, और जब तक ये नहीं निकला तब तक विकारों से हमारी मुक्ति नहीं हुई, और विकारों से मुक्ति नहीं हुई तो ऊपर ऊपर से हम हजार सुधार करके रह गए। ये भीतर वाले विकार जब देखो तब ज्वालामुखी की तरह फूटेंगे और फिर हम पर छा जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं टूटा। विकार पैदा करने वाला स्वभाव नहीं टूटेगा तो हम विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। सारी की सारी साधना इसी बात के लिए है कि अंतर मन की गहराइयों में जाकर के वहाँ प्रज्ञा जगाएं, प्रत्यक्ष ज्ञान जगाएं, और अपने चित्त को इन विकारों से विमुक्त करते चले जाएं, विमुक्त करते चले जाएं। बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण, विकारों की विमुक्ति में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। प्रज्ञा जागे बलवती, अंग अंग रम जाए, अणु अणु चेतन होठे, चित्त शांत हो जाए। जागो लोगो जगत के,
अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबा पथ है, पर कितना ही लंबा पथ क्यों न हो, हजारों मील लंबे पथ की भी यात्रा पहले कदम से ही होती है। जिसने पहला कदम उठा लिया उससे आशा की जा सकती है कि वो दूसरा उठाएगा, तीसरा उठाएगा और यूं कदम कदम बढ़ते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। पर कदम तो उठाना होगा ही, चलना तो स्वयं ही होगा। चलेंगे नहीं, सारे मार्ग की चर्चा करते रहेंगे, उस पर वाद विवाद करते रहेंगे, और चलेंगे भी तो उल्टी दिशा में चलने लगेंगे, तो भाई अंतिम लक्ष्य तक कहाँ पहुँचेंगे? कोरी चर्चाओं में क्या पड़ा है, मार्ग पर चलना है। चर्चा तो बहुत करते रहे, पाठ बहुत करते रहे, हम करते हैं ना, गीता का पाठ करते हैं। एक श्लोक है गीता का, उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। विमूढ़ लोग नहीं देख पाते, विपश्यना नहीं कर पाते। विपश्यना करते हैं तो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, और ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो ही विपश्यना करते हैं। क्या विपश्यना करते हैं? भीतर की सच्चाई का दर्शन करना शुरू कर देते हैं। उत्क्रामंतं, हमारे मानस के चार खंडों में से पहले खंड अपना सिर उठाया, कुछ हुआ, इंद्रिय के किसी दरवाजे पर कुछ खटपट हुआ, इतने में स्थितं मानस का दूसरा खंड रुकता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है। इतने में संवेदनाएं चलने लगती हैं, सुखद होती हैं, दुखद होती हैं, तो उसका सुख भोगने लगता है, दुख भोगने लगता है, भुंजानं भुंजानं। और जैसे ही भोगता भाव से भोगने लगा कि राग जगाने लगा, द्वेष जगाने लगा, तो गुणान्वितं लगा बंधने। अरे भाई, इस सच्चाई को अपनी अनुभूतियों पर नहीं उतारेंगे तो अपना कल्याण कैसे करेंगे? केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता। भगवान महावीर की वाणी का पाठ करते हैं, आयत चक्षु लोक विपश्यी। लोग कहते थे काया को उन दिनों की भाषा में, जो अपनी काया के भीतर विपश्यना करने लगा, आयत चक्षु, उसे चक्षु प्राप्त हो गए, अंतर चक्षु प्राप्त हो गए, ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो गए, प्रज्ञा के चक्षु प्राप्त हो गए। विपश्यना करे तो प्राप्त हो ना, कोरे पाठ करने से क्या होता है? आज के 2500 वर्ष पूर्व भी यही हालत थी, पाठ चलते थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाला एक व्यक्ति ऋग्वेद की इस ऋचा का पाठ करता है, यो विश्वाभि विपश्यति भुवन संच पश्यति सेने पार्षदति द्विष। यो विश्वाभि विपश्यति भुवन, जो विपश्यना करता है,
इस सक्षण के सच्चाई के प्रति सजग हो करके अपने भीतर विपश्यना करता है, सम्यक रूप से करता है, वह सारे द्वेषों से पार हो जाता है। विपश्यना करता है तो पार हो जाता है ना भाई, केवल पाठ करे तो कैसे द्वेष के पार हो जाएगा। उस सन्यासी गृह त्यागी सिद्धार्थ गौतम ने यही तो देखा, कोई रास्ता होना चाहिए जो हमें राग के पार उतार दे, द्वेष के पार उतार दे, जो हमें वीत राग बना दे, वीत द्वेष बना दे, वीत मोह बना दे, सारे विकारों से मुक्त कर दे। भिन्न भिन्न प्रकार की उस समय की प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार के साधनाओं का अभ्यास करके देखा, नहीं नहीं पहुंच पाए। तो खोजते 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 ये विपश्यना विद्या खोज निकाली और इसके सारे 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 शुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, नितांत विमुक्त बन गए, जीवन मुक्त हो गए। तो कहते हैं पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्खुंगुतपादि। अरे पहले कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इस धर्म में। मेरे चक्षु खुल गए, मेरे अंतर चक्षु खुल गए, प्रज्ञा चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, तो मुक्त हो गया। पहले सुना ही नहीं, केवल शब्द सुन लेने से बात नहीं बनती, उन शब्दों का अर्थ ही लुप्त हो जाता है। जब काम नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो शब्दों के अर्थ ही लुप्त होते चले जाते हैं। सचमुच अंतर प्रज्ञा जागे, सचमुच अंतर चक्षु जागे, तो भीतर की सच्चाइयों को यथाभूत देखना शुरू कर दे। ये शरीर और चित्त का प्रपंच कैसे काम करता है, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करता है, परमाणुओं के पुंज उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, चित्त प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और कैसे एक से दूसरा प्रभावित होता है, ये सारा प्रपंच भीतर का देखने लगे तो सारा रहस्य खुल जाए, कुदरत का सारा रहस्य खुल जाए। क्यों विकार जागते हैं, कैसे विकार जागते हैं, अरे कैसे उनका संवर्धन होता है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, कैसे उन्हें निकालते 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 नितांत विमुक्त अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ये जो ऊपर ऊपर का चित्त है, जिसे उन दिनों की भाषा में परित चित्त कहा, परिमित चित्त, छोटा सा चित्त, जिसे आज के पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, बड़ा छोटा सा माइंड, और बाकी सारा का सारा हाफ कॉन्शियस अनकॉन्शियस, अरे इन दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार पड़ी है। जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे पता तक नहीं कि भीतर क्या हो रहा है, भीतर ही भीतर कितना प्रपंच चल रहा है, भीतर ही भीतर कैसे विकार जाग रहे हैं, उनका संवर्धन हो रहा है, ये सारा प्रपंच पता ही नहीं लगता। विपश्यना का काम आरंभ करते हैं तो ये दीवार टूटती है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन चित्त कहते हैं, दीवार टूटती है उसके आगे की और सारा का सारा चेतन हो जाता है। भीतर तक कुछ भी अचेतन नहीं रहता। वैसे हमारे यहाँ के महापुरुषों ने ये चेतन अचेतन इस प्रकार के शब्द नहीं इस्तेमाल किए, कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं, परित परमित है, छोटा सा है, भीतर क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। अब उसकी जानकारी होने लगी, क्या हो रहा है, जब जानकारी नहीं है तो भीतर ही भीतर संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है। प्रतिक्षण जहां जहां जीवन है, प्रतिक्षण वहां कोई ना कोई संवेदना हो रही है, कण कण में, अणु अणु में संवेदना हो रही है। ये बेचारा ऊपर ऊपर का चित्त जाने ही नहीं क्या हो रहा है। दीवार टूटती है
तो एक एक अणु की संवेदना महसूस होने लगती है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अरे अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। इसे अनुभूतियों से जानते 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 यात्रा हमें सारे अनित्य अवस्थाओं में से गुजरते हुए उस नित्य शाश्वत ध्रुव तक पहुंचाने की यात्रा है। अनित्य के रास्ते से नहीं गुजरेंगे तो न जाने कौन सी अनित्य की अवस्था हमें पकड़ के रह जाएगी, और इस भ्रांति में, इस भ्रम में कि बस नित्य प्राप्त हो गया, शाश्वत प्राप्त हो गया, ध्रुव प्राप्त हो गया, धोखे में रह जाएंगे। तो सारी की सारी स्थूल से स्थूल अवस्थाओं से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो जो अनित्य का क्षेत्र है, शरीर और चित्र का क्षेत्र है, सारी इंद्रियों का क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र का अनुसंधान करना है। होता जाएगा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तरंगे ही तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे, इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म। एक अवस्था आएगी, एक स्थान पर केवल मुट्ठी के जितनी जगह ऐसी है कि लगता है यहाँ तो कोई उत्पाद व्यय नहीं हो रहा, अरे कहीं ये तो ध्रुव नहीं। तो किया जाएगा विपश्चना, प्रज्ञा का अभ्यास किया जाएगा। प्रज्ञा का काम यही है, छेदन करती है, भेदन करती है, टुकड़े टुकड़े करती है, विभाजन करती है, विघटन करती है। तो टुकड़े होते 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 वो जो मुट्ठी के जितनी बड़ी जगह थी, टूटते टूटते एक अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के जितनी जगह रह गई, और फिर उसका भी भेदन हो रहा है, छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, छेदन हो रहा है, एक तिल के समान जगह रह गई। कहीं ये तो नित्य नहीं, ये तो शाश्वत नहीं। देखे जा रहा है, देखे जा रहा है प्रज्ञा द्वारा उसको, तो बिंधन हो रहा है, छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, अरे टूटा वो भी। तो छिंदती हृदय ग्रंथि, भिंदंती सर्व संशय, सारे संशय दूर हो गए। ये सारी अनित्य के क्षेत्र में कैसी भ्रांति पैदा कर रखी, ये नित्य है, ये नित्य है, ये नित्य है, अरे नहीं नित्य है, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, सारी इंद्रियों के परे की अवस्था है, जहां इंद्रियां काम करने बिल्कुल बंद कर देगी, उस इंद्रियातीत अवस्था को नित्य शाश्वत ध्रुव ये कह सकते हैं। ये है नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन अनिर्वचनीय है। किन शब्दों में समझाया जाए, इंद्रिय जगत में विचरण करने वाला इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति करके फिर इंद्रिय जगत में आया, क्या बोले। जो अनुभव इंद्रियातीत अवस्था में हुआ वो फिर इंद्रिय जगत में इंद्रियों के सहारे क्या समझाए, और समझाए तो कैसे समझाए, मुंह बंद हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। तो संत कहता है कि ठाकुर मिल गया ओ तिलयोले, ठाकुर मिल गया तिलयोले, मन मगन भया अब क्या बोले, मन मगन भया अब क्या बोले। वो परम सुख की अवस्था, गूंगा हो जाता है उसके बारे में क्या कहे, जो कहता है उसके बारे में समझ लेना चाहिए उसे साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे अनुभूति नहीं हुई है, इसीलिए बातें करता है। वो अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय है, किन शब्दों में समझाए। तो कहा बोले सो देखे नहीं, बोले सो देखे नहीं, और देखे बोलन पाए। जो बोलता है उसने देखा नहीं भाई, जो देख लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, वो क्या बोलेगा, बोल नहीं पाएगा। अरे गूंगे कीरी शर्करा, गूंगे कीरी शर्करा, ओ चाख चाख मुस्काए, क्या बोलेगा, उसका भाव बताएगा,
उसका जीवन बोलेगा अब यह आदमी बिल्कुल बदल गया, संत हो गया। कैसे समझाएगा कि उसे क्या अनुभूति हुई, कैसे बताएगा क्या साक्षात्कार हुआ, किसका दर्शन हुआ? अरे उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, कैसे समझाए? लोग पीछे पड़े तो क्या कहे? यही कहता है कि रूप नहीं रेख नहीं, रूप नहीं रेख नहीं, ओ श्वेत नहीं श्याम जी, श्वेत नहीं श्याम जी। अरे उसका कोई रूप है न रंग है न रेख है, न वो सफेद है न वो काला है। कि तुम सदा एक रस राम जी, राम जी तुम सदा एक रस। वो एक रस अवस्था है, उसे कोई चाहे जिस नाम से पुकारे, अरे उसका साक्षात्कार होना चाहिए ना, उसकी अनुभूति होनी चाहिए ना, अन्यथा तो लड़ते ही रह जाएंगे। मेरा राम तेरा रहीम, मेरा कृष्ण तेरा करीम, आप डंडे रह गए ना, मशाल की रोशनी तो खत्म हो गई, धर्म तो खत्म हो गया, अध्यात्म की अनुभूति तो रही नहीं, तो सिवाय झगड़े की ओर क्या होगा? अनुभूति होगी तो देखेगा किस प्रकार, एक एक कदम, रास्ता बड़ा लंबा है लेकिन फिर भी एक एक कदम, एक एक कदम देखो कल्याण हुए जा रहा है, एक एक कदम। जैसे जैसे अंतर्मुखियों के सच्चाई को देखता चला जाएगा, देखेगा देख विकार जागा। और क्या हुआ विकार जागते ही? कैसे मन पर जागा हुआ विकार शरीर पर अपना प्रभाव प्रकट करने लगा? ये शोणित प्रवाह करने वाली धमनियों में एक तरह का जीव रसायन, एक बायोकेमिकल का प्रवाह होना शुरू हुआ। क्रोध जागा तो एक तरह का बायोकेमिकल, उन दिनों की भाषा में उसे आश्रव कहते थे, आश्रव का माने बहाव, और आश्रव का माने नशा भी, एक बहाव बहने लगा। क्रोध जगा, एक रसायन का बहाव बहने लगा, आश्रव बहने लगा। बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टदाई, और क्योंकि बड़ा कष्टदाई है ऐसा बहाव बहा कि क्रोध और ज्यादा तेज हुआ, क्रोध और तेज हुआ, आश्रव और तेज हुआ, आश्रव और तेज हुआ, क्रोध और तेज हुआ। अरे विशेष सर्कल, दुष्चक्र ही दुष्चक्र, व्याकुलता ही व्याकुलता। ठीक इसी प्रकार वासना जगाई तो उस वासना के अनुसार एक रसायन बहने लगा, वो रसायन बहने लगा वासना बढ़ने लगी, वासना बढ़ने लगी रसायन बढ़ने लगा। अरे दुष्चक्र ही दुष्चक्र, गहराइयों से जाकर के ये विद्या प्राप्त हो जाए तो इस चक्र को तोड़ दिया जाता है। विकार तो जागा, हमारी नासमझी से जागा, पर जागा। और अब देख ये बहाव बहने लगा और उसकी एक प्रकार की संवेदना होने लगी। अब इसे हम साक्षी भाव से देखते हैं, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, हम इसकी वजह से नया विकार नहीं जगाते, बस रोक लगने लगी। इस रोक लगाने में जितना जितना सफल हुआ उतना उतना विकारों के निष्कासन में सफल हो गया। स्वभाव बदलने लगा, प्रकृति बदलने लगी, तो आदमी बदलने लगा, उसका जीवन बदलने लगा। ये काम स्वयं करना पड़ता है ना भाई। दो शब्द विपश्यना के पुराने साहित्य में दो शब्द आते हैं, नति गति। नति कहते हैं झुकाव को, किस ओर झुका हुआ, और गति कहते हैं उस ओर चलायमान हो गया। तो हमारे चित्त ने प्रतिक्रिया की, क्रोध की प्रतिक्रिया की तो उस ओर झुकाव हो गया, क्रोध की ओर झुकाव हो गया, अब उसी ओर गति जा रही है। अब बार बार क्रोध करता है, बार बार क्रोध करता है और अपने को व्याकुल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लोभ की नति उस ओर झुका हुआ, कि राग की नति, कि वासना की नति, कि भय की नति, किस ओर झुका हुआ, जिस ओर झुका हुआ उस ओर गति चल पड़ी। नति गति, नति गति। अरे हम मालिक हैं अपने, अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। यह नति हमने बनाई ना, तो गति हम नहीं बनाई ना, ना समझी से बनाई तो अवनति ही अवनति, ना समझी से बनाई तो दुर्गति ही दुर्गति, समझदारी से बनाई तो सदगति ही सदगति, उन्नति ही उन्नति। हम मालिक हैं भाई।
चलें तो धर्म के रास्ते, शील का पालन करें कल्याण ही कल्याण, समाधि का पालन करें कल्याण ही कल्याण, प्रज्ञा का पालन करें कल्याण ही कल्याण, धर्म के रास्ते में कल्याण ही कल्याण, विपश्यना के रास्ते में एक एक कदम कल्याणकारी, खोते कुछ भी नहीं, बड़ा मंगल बड़ा कल्याण, धर्म में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण, अंत माही कल्याण है, मंगल पंथ महान। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल धर्म का शुद्ध स्वरूप कायम हो। धर्म पर जो संप्रदाय के छिलके लग गए, इन छिलकों ने धर्म को छिपा लिया, इन छिलकों को दूर करें, धर्म का शुद्ध रूप उजागर होगा तो धर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, अन्यथा संप्रदायों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और देश में विश्व में अशांति ही अशांति रहेगी। धर्म का शुद्ध स्वरूप जो सब के लिए एक सा है, वही धर्म हो तो धर्म का शुद्ध स्वरूप है। जो सार्वजनीन है, सबका है, सबको समान रूप से कल्याण प्रदान करता है, सबका समान रूप से मंगल करता है, तो धर्म है, जिसमें जाति जाति को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें वर्ण गोत्र को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें रंग रूप को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें देश प्रदेश को लेकर भेद नहीं होता, जो सबका है, कुदरत का कानून सबका है, निसर्ग के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, ये समझते रहें तो देखेंगे धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम हो रहा है। जितना जितना विपश्यना का अभ्यास करते चले जाएंगे, अपने भीतर निसर्ग के नियमों का दर्शन करते चले जाएंगे,
सच्चाई का दर्शन करते चले जाएंगे, उतना उतना स्पष्ट होते चले जाएगा। अरे भाई, धर्म तो सबका है ना, धर्म तो सार्वजनीन है ना, सार्वदेशिक है ना, सार्वकालिक है ना, नहीं तो धर्म कैसे हुआ? इस मापदंड से मापते रहेंगे धर्म की शुद्धता को, इस मापदंड से मापते रहेंगे सार्वजनीन है या नहीं। कोई भी कह सकता है कि मैं जिसे धर्म कहता हूं वो भी तो सार्वजनीन है, कोई पालन करे तो उतना ही कल्याण होगा। लेकिन पालन करने में भी तो सार्वजनिकता चाहिए। अगर पालन करने वाले को हिचक हो कि मैं कैसे पालन करूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी ना। एक आदमी भली भांति सोच समझ करके देखे कि भाई मैं शील का पालन करता हूं, अपने शरीर से, अपने वाणी से किसी की शांति भंग नहीं करता, किसी की हानि नहीं करता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, तो अच्छी बात, इसमें बुरी बात क्या? जब मैं अपने शरीर या वाणी से किसी को भी हानि पहुंचाता हूं तो पहले अपनी हानि करने लगता हूं, क्योंकि अपने भीतर विकार जगाता हूं। और ये कुदरत का नियम तो ऐसा है कि विकार जगाते ही मैं स्वयं व्याकुल हो जाता हूं। तो भाई, अपने भले के लिए, औरों का भला तो पीछे, पहले अपने भले के लिए मैं शरीर और वाणी से किसी को हानि न पहुंचाऊं, किसी को पीड़ा न पहुंचाऊं। इस बात को स्वीकार करने में किसी भी जाति के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी वर्ण के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी समाज के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी देश के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी बोली भाषा के व्यक्ति को क्या इतराज होगा? सार्वजनिक बात, अपने भले के लिए भी लोग स्वीकार करेंगे, औरों के भले के लिए भी स्वीकार करेंगे। और फिर धर्म का अगला कदम, भाई शील सदाचार का जीवन जीना है अपने भले के लिए भी, औरों के भले के लिए भी, तो मन तो वश में होना चाहिए ना। तो मैं अपने मन को वश में करने की कोई प्रैक्टिस करूं, कोई एक्सरसाइज करूं। अब प्रैक्टिस भी किस प्रकार की? प्रैक्टिस के लिए ऐसा आलंबन हो जो सार्वजनिक हो। अगर आलंबन सार्वजनिक नहीं है, ये आलंबन तो अमुक संप्रदाय का है, ये आलंबन अमुक संप्रदाय का है, फिर कठिनाई खड़ी हो जाएगी, तो धर्म सार्वजनिक नहीं होगा। तो इसलिए शुद्ध धर्म के रास्ते चलने वाले के लिए आलंबन मिला, चित्त को एकाग्र करने के लिए आलंबन मिला। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अब सांस न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। अरे सांस सांस है भाई, आ रहा है, जा रहा है, हम उसे जान रहे हैं। उसे जानते हुए अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, और एकाग्र ही नहीं कर रहे, चित्त को निर्मल करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि इसको जानते जानते हम अगला कदम उठाने लगते हैं कि भीतर प्रज्ञा जागने लगती है, और भीतर प्रज्ञा जागने लगती है तो हमारा और कल्याण होने लगता है। तो समाधि का जो काम किया, धर्म के दूसरे चरण उठाने का जो काम किया, वो भी सार्वजनिक। सांस के सहारे सहारे हमने समाधि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम शुरू किया। अब जब प्रज्ञा का काम करते हैं तो शरीर पर संवेदनाएं हो रही हैं, इस तरह की संवेदना है या उस तरह की संवेदना है। अब जो इस तरह की संवेदना है,
न उसको हिंदू संवेदना कह सकते हैं, उस तरह की संवेदना है, न उसे मुस्लिम संवेदना कह सकते हैं। अरे संवेदना संवेदना है, सबको एक जैसी होती है, शरीर का स्वभाव है, गर्माता भी है, पसीजता भी है, धड़कता भी है, फड़कता भी है, इसमें स्पंदन भी होते हैं, इसमें सिहरन भी होती है, इसमें पुलकन भी होती है, इसमें धूजन भी होता है, इसमें कंपन भी होता है, इसमें भारीपन भी होता है, दबाव भी होता है, दुखाव भी होता है, सबको होता है ना। केवल हिंदुओं को होता हो, मुसलमानों को ना होता हो, बौद्धों को ना होता हो, जैनियों को होता हो, अरे ऐसा नहीं ना। ब्राह्मणों को होता है, शूद्रों को नहीं होता है, वैश्यों को होता है, क्षत्रियों को नहीं होता, ऐसा नहीं ना, सबको होता है भाई, सार्वजनिक है। और इन संवेदनाओं को देखते 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 हम अपने मन के स्वभाव को पलटते हैं। इन्हीं संवेदनाओं के प्रति मन ने ऐसा स्वभाव बना लिया था कि ये जब सुखद लगती हैं तो राग पैदा करे, दुखद लगती हैं द्वेष पैदा करे, उसका वो स्वभाव तोड़ रहे हैं। सुखद लगे तो भी हम राग नहीं पैदा करते, दुखद लगे तो भी हम द्वेष नहीं पैदा करते। तो विकारों से छुटकारा होता है, क्रोध से छुटकारा होता है, द्वेष से छुटकारा होता है, अहंकार से छुटकारा होता है, वासना से, भय से, ईर्ष्या से, मात्सर्य से, ये सार्वजनिक रोग है ना। जब किसी को क्रोध जागता है तो क्या लेबल लगाएंगे, कहेंगे ये हिंदू क्रोध है कि ये बौद्ध क्रोध है कि जैन क्रोध है कि मुस्लिम क्रोध है, और उस क्रोध की वजह से जो व्याकुलता आती है भीतर, उसे क्या लेबल लगाएंगे, ये आपके हिंदू व्याकुलता आई कि ये बौद्ध व्याकुलता आई कि जैन व्याकुलता आई। अरे सार्वजनिक रोग है ना, सबका एक जैसा रोग है। तो जो सबका एक जैसा रोग है, उस रोग की औषधि भी एक जैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। धर्म औषधि हमारे रोगों की, तो धर्म सार्वजनिक होना चाहिए। हमने सांस का सहारा लिया, सार्वजनिक है। हमने इन संवेदनाओं का सहारा लिया, सार्वजनिक है। हर आदमी अपनी संवेदनाओं को देखकर अपने मन के स्वभाव को पलट सकता है, विकारों से मुक्ति पा सकता है, आसक्तियों से मुक्ति पा सकता है। ये जो श्राव बहने लगे, विकार जागा और श्राव बहने लगा, एक रसायन बहने लगा भीतर, सबको एक जैसा है ना। और वो रसायन इतना अप्रिय लगा कि उसकी वजह से फिर विकार जागा, सबको ऐसा ही है ना। उसके प्रति आसक्ति हुई तो संवेदनाओं के प्रति आसक्ति हुई, सबको एक जैसी बात है ना। आदमी कहता है कि उसे व्यसन लग गया, कोई कहता है इसे शराब का व्यसन लग गया, भीतर जाकर के विपश्यना के सहारे जब सच्चाई को देखेंगे तो साफ मालूम होगा व्यसन शराब का नहीं है, व्यसन संवेदनाओं का है। शराब पीने से जो एक प्रकार की संवेदना होती है वो प्रिय लगने लगी और बार बार अर्ज उठती है, बार बार जी चाहता है वैसे संवेदना फिर हो, वैसे संवेदना फिर हो। ये अंतर्मन में चल रहा है, ये ऊपर ऊपर वाला मन तो शराब फिर चाहिए, शराब फिर चाहिए, लगता है शराब का व्यसन है। अरे शराब का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। जुए का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। इसी तरह से क्रोध का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। वासना का व्यसन नहीं, इन संवेदनाओं का व्यसन है। ये बात जितनी जल्दी जिसके समझ में आ जाए, वो इन संवेदनाओं को देखते 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 अपने व्यसन के बाहर निकल जाए। किस प्रकार शराब के व्यसन में डूबे हुए लोग, एक शिविर होता है, दो शिविर होता है, तीन शिविर होते हैं, कोई धमकी नहीं देता, घर जाकर शराब पिएगा तो तुझे वो कुंभी पाक नरक मिलेगा, कोई नहीं कहता। इन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 अब दृष्टा भाव से देख रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है, निसंग भाव से देख रहा है, तो उन संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता, उनका व्यसन टूट रहा है, आसक्ति टूट रही है। अरे ये सबको होता है ना। तो हमारा सार्वजनिक रोग है और ये सार्वजनिक इलाज है। किसी को मलेरिया हो जाए तो क्या कहेंगे, ये हिंदू मलेरिया है, क्या कहेंगे ये मुस्लिम मलेरिया है। अरे मलेरिया मलेरिया है भाई। और जब उसे कुनेन देंगे तो क्या कहेंगे, ये हिंदू कुनेन है, ये मुस्लिम कुनेन है।
अरे कुनेन कुनेन है भाई, किसी को प्लेग हो गई तो क्या हुआ? उसे हिंदू प्लेग हो गई कि उसे मुस्लिम प्लेग हो गई? और जब उसे टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दिया गया तो ये हिंदू है कि मुस्लिम है? अरे कहाँ उलझ गए, बात समझें। धर्म सबका एक जैसा है, हमारा सार्वजनिक रोग है। हर व्यक्ति विकार जगह जगह के व्याकुल होता है, पागल होता है, समझ नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी हानि करता है। और ये विपश्चना द्वारा अपने भीतर धर्म जगाता है, सच्चाई को देखने की विद्या सीखता है, इन संवेदनाओं के प्रति जो आसक्ति है, इन संवेदनाओं को लेकर के जो राग जागता है, द्वेष जागता है, उससे छुटकारा पाता है, छुटकारा पाता है, सुखी हो जाता है। हर कोई सुखी हो जाएगा, जो चित्त निर्मल कर लेगा वही सुखी हो जाएगा। ये चित्त को निर्मल कर लेना, उसे सद्गुणों से भर लेना, ये किसी एक जाति की मोनोपोली नहीं, किसी एक संप्रदाय की मोनोपोली नहीं, किसी एक वर्ण की मोनोपोली नहीं। अरे कोई करे, जो अपने चित्त को निर्मल करे वही संत हो गया। कोई भगवान बुद्ध के पास आता है और उन्हें गालियां निकालता है, बुरी तरह गालियां निकालता है, और वो मुस्कराते हैं, कहते हैं भाई तुम किसी के पास उपहार लेकर जाओ, भेंट लेकर जाओ, और वो व्यक्ति तुम्हारी भेंट नहीं स्वीकार करे तो तुम्हारी भेंट का क्या हो? तो कहता क्या हो, मेरी भेंट मेरे पास रह गई और क्या हो? बस यही बात हुई ना, तुम गालियों का उपहार लेकर हमारे पास आए, हमने तो नहीं स्वीकार किया, तुम्हारी भेंट तुम्हारे पास। अरे बड़ा समझदार आदमी था, बात समझ में आ गई। सारा जीवन हम क्या करते हैं, एक उपहार गाली की किसी को देते हैं, वो 10 देता है, हम 100 देते हैं, वो 1000 देता है, तू भी दुखी मैं भी दुखी। ये कैसा संत है, ये उपहार स्वीकार ही नहीं करता, तो बदले में ऐसा उपहार देता भी नहीं। अरे निर्मल चित्त हुआ ना, कोई हो जाए, भगवान महावीर के कान में कोई कील ठोंक रहा है, वो मुस्कराते हैं, पागल है, इसे होश नहीं है क्या कर रहा है। उनके मैत्री जागती है, करुणा जागती है। अरे ऐसी मैत्री करुणा जागने केवल जैनियों की मोनोपोली है कि बौद्धों की मोनोपोली है? अरे संत हो गया तो जागेगी ही ना। ईसा मसीह को टांग दिया गया, क्रॉस पर टांग दिया गया, हाथ में कील ठुकी है, पाँव में कील ठुकी है, सिर में कील ठुकी है, जीवन का अंतिम क्षण नज़दीक है और उसके मन में करुणा जागती है, मैत्री जागती है। अरे इन्हें अपने किए का कर्म का फल न भोगना पड़े रे, इनको अपने कर्म का फल न भोगना पड़े रे। संत है ना, कोई हो, निर्मल चित्त हुआ तो संत हो गया ना। पैगंबर मोहम्मद साहब रोज अपने मस्जिद में जाते हैं नमाज के समय, और रास्ते में एक बुढ़िया का घर है, उसको किसी बात को लेकर के उनके साथ मेल नहीं बैठता, उनके विचार उसे ठीक नहीं लगते, उनके उपदेश ठीक नहीं लगते। तो जब वो उसके घर के नीचे से निकलते हैं, वो ऊपर से कूड़े से भरी हुई टोकरी उन पर उड़ेल देती है, कचरा उनके सिर पर गिरता है, मुस्कराते हैं, उसे साफ करते हैं, चले जाते हैं, ये रोज का काम। एक दिन उस बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका, पैगंबर साहब ने देखा क्या हुआ, तो उसके घर पर चढ़ गए। अरे बुढ़िया माई क्या हो गया, कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई? अरे तू रोज इस समय मेरे सिर पर कचरा डालती है, तुझे आज क्या हो गया? संत है ना, चित्त निर्मल हुआ। मस्जिद में लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसी एक भाई को डायबिटीज का रोग होगा, बेचारे को जोर की पेशाब की हाजत हुई, अब रोक नहीं सका अपने आप को, वहीं नज़दीक बैठ कर कहीं पेशाब कर लिया, लोगों को गुस्सा आया, पीछे पड़े उसको मारने के लिए, पैगंबर साहब आती है, अरे क्या करते हो, अरे ये रोगी है बेचारा, पानी भर के बाल्टी साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं। अरे संत है ना भाई, उनकी शिक्षा को मानने वाला वो नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति हो या उनकी शिक्षा का विरोधी वो बुढ़िया हो, दोनों पर एक जैसी करुणा है ना। अरे करुणा करुणा है, किसी भी संत में आ जाएगी, वो जाति नहीं देखती, वर्ण नहीं देखती, गोत्र नहीं देखती, समझे धर्म को। हमारे यहाँ भी संत एकनाथ नदी नहा करके जा रहे हैं और किसी आदमी के साथ उनका संबंध बिगड़ा हुआ है, नहा करके गए, रास्ते से गुजर रहे हैं, उसने थूक दिया, मुस्कराए, फिर नहा कर गए, साफ कर लिया अपने बदन को, फिर गए, फिर थूक दिया, फिर नहा लिया, दो बार हुआ, चार बार हुआ,
वो व्यक्ति पांव पकड़ के बैठ गया, अरे आप जैसे संत, मैंने कितनी बड़ी भूल की। अरे संत संत है, संत ना हिंदू होता है, ना बौद्ध होता है, ना जैन होता है, ना मुस्लिम होता है। जिसका निर्मल हो गया चित्त और चित्त में करुणा जाग गई, मैत्री जाग गई, संत हो गया, कोई हो जाए। तो भाई शील का पालन करे कोई भी कर सकता है, समाधि का अभ्यास करे, सांस के सहारे 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 प्रज्ञा को जगाए, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, काया को देखते देखते कायानुपस्सना करे, काया पर क्या जाग रहा है इन वेदनाओं को देखते देखते वेदनानुपस्सना करे, चित्त को देखते देखते चित्तानुपस्सना करे, चित्त पर क्या जाग रहा है, उन दिनों की भाषा में उसे धर्म कहते थे, जो चित्त पर जागे सो धर्म, तो धर्मानुपस्सना करे। अरे यूं करते 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 भीतर का सारा प्रपंच समझ ले, और यूं करते करते भीतर का सारा स्वभाव पलट ले, तो कितना बड़ा कल्याण हो गया। ये कल्याण सबका हो सकता है, और ये तब हो सकता है जब भीतर की सच्चाई देखनी सीखें। अपने यहां का संत नरसिंह मेहता जैसा भक्त कहता है कि शरीर सोधे बिना वो सार नहीं सांपड़े, शरीर सोधे बिना सार नहीं सांपड़े। अंदर से शरीर के भीतर सत्य का अनुसंधान किए बिना सार नहीं मिलता भाई, छिलके ही छिलके मिलेंगे। धर्म का सार लेना हो तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और ऐसा शुद्ध धर्म प्राप्त होगा, ऐसा शुद्ध धर्म जागे, देश की राजनीति में जागे, समाज नीति में जागे, व्यापार नीति में जागे, शिक्षा नीति में जागे, सर्वत्र जागे। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। पिछले अनेक दिनों की इस व्याख्यान माला में जाने अनजाने कोई भी ऐसी बात कह दी गई हो जिससे किसी भाई को, किसी बहन को बुरा लगा हो, उसे चोट पहुंची हो, तो करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना। खूब मंगल हो, शुद्ध धर्म जागे, और खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति समाए रे। नर नारी हो धर्म बिहारी, सब नर नारी धर्म बिहारी, घर घर सुख छा जाए रे, घर घर मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे।